हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास में जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले ही देख लिया होगा आज की एक थोड़ी सी स्पेशल क्लास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं साइंस का हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर को हर एक टॉपिक से आपको इस क्लास में क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये जो भी कंप्लीट क्लास होगा आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसमें चीजें जो है मैनेज तरीके से लाई गई हैं प्रॉपर आपको फिजिक्स मिलेगा केमेस्ट्री मिलेगा बायो मिलेगा तो जल्दी से पहले तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ में जैसे कि रंजू प्रिया गूगल गर्ल वीपी व्लॉग गुलिस्ता परमजीत बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ही आपको टाइम देख लो चार बजे से चीजें स्टार्ट हो रही हैं बहुत सारी चीजें बहुत सारे टॉपिक आपका यहीं पर कवर होंगे तो जरूर से हमारी इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको खुद ही जो है फायदा मिलेगा क्लास का क्योंकि यहां पर हम लोग करने वाले साइंस का एक कंप्लीट रिवीजन और ये रिवीजन हम लोग किस तरीके से करेंगे एम के फॉर्म में करेंगे बाकी आप सब जानते हो मैंने बहुत बार बताया है कि आपकी जो एनसीआरटी की बुक है सिक्स सेवन एथ की बुक है वो कुछ पांच तरीकों से डिवाइड है ठीक है आपको पढ़ना क्या होता है फिजिक्स पे, फोकस करना है केमिस्ट्री पढ़नी है बायो पढ़नी है साथ में आप देखते हो इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन मिलते हैं जैसे कि फसल वगैरह ठीक है मिट्टी वगैरह से क्वेश्चन भूकंप वगैरह से इसके अलावा पैडागोजी तो इसी तरीके से आपकी जो पूरी की पूरी क्लास है कुछ

इमरान लकी गूगल गर्ल पुष्पा जितने लोग भी हैं सभी लोग एक बार से बता सकते हैं अपने सभी क्लासमेट से कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है बाकी स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से और मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नए होंगे चीजें आपकी पढ़ी हुई होंगी और आप उनका रिविजन भी होगा आपको चीजें बहुत सारी नई भी मिलेंगी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो ये सारी चीजें देखनी है और देखेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे ऑफ फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट टू मेक अ फ्यूज वायर बात करी जा रही है यहाँ पर फ्यूज वायर की तो फ्यूज वायर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और बताना है फ्यूज वायर किसका बनाना चाहिए आपके पास में तीन मटेरियल दिए गए हैं चार मटेरियल जिनका मेल्ट

और जब कह रहे हैं कि और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत लो है गुड इवनिंग छाया रीना शालू और बहुत बढ़िया इतने सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अब एंसर में भी इतनी एनर्जी दिखनी चाहिए ठीक है एंसर में भी इतनी एनर्जी दिखनी चाहिए सभी बताएंगे हमने आपको बता रखा है फ्यूज के बारे में फ्यूज के बारे में बताया है कि किससे मिलकर के बना हुआ होता है एक तो ट्रिक बताई थी कि आप ट्रिक से याद कर लो सीटी से फ्यूज के एक प्रकार का एलॉय होता है क्या होता है फ्यूज एक एलॉय होता है जो कि सीसा और टिन का मिश्रण होता है ठीक है पीबी और एसएन का जो है एक मिश्रण होता है मिश्र धातु होती है इसकी विशेषता यह होती है घरों में ये इस वजह से यूज किया जाता है ताकि आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हो वो सेफ रह सके ठीक है इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत लो होगा तो अगर बहुत थोड़ी सी भी ज्यादा करेंट आ जाती है तुरंत से मेल्ट हो जाएगा वायर मेल्ट होगा सर्किट ओपन हो जाएगी और आपकी डिवाइसेज जो है बच जाएंगी तो इस वजह से फ्यूज वायर का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए और बहुत ही हाई होनी चाहिए ठीक है याद रखिएगा फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए और इसकी होनी चाहिए। इसलिए कि कुछ भी आएगा नहीं सारी चीजें आएंगी सारी चीजें पढ़ी हुई देखेंगे. <clears throat> देखेंगे समीर एक प्रदर्शनी में जाते हैं एक दर्पण घर में प्रवेश करता है ठीक है दर्पण घर मतलब एक बढ़िया शीशे वाला शोरूम है वहां पर जा रहे हैं और वहां पर बहुत सारे तरीके के उनको शीशे देखने को मिल रहे हैं अवलोकन करते हैं कि अलग अलग दर्पणों में उनके प्रतिबिंब भी उनके इमेजेस जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको बताना है किस प्रकार के दर्पण है एक ऐसा मिरर जिसमें उसको सीधा और समान आकार का इमेज दिखाई दे रहा है एक बी प्रकार का मिरर है जिसमें उसे सीधा और छोटे आकार के इमेजेस दिखाई दे रहे हैं एक सी है जिसमें उल्टा और लघु आकार का और एक डी है जिसमें उसे और बड़े आकार का इमेज, राधे, राधे, इमेज किसमें दिखाई देता है सीधा और समान आकार का मैंने बताया था जो आपका समतल दर्पण होता है ठीक है किसकी बात करेंगे प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है एक तो आपका सीधा बनता है ठीक है सीधा बनता है आभासी बनता है आभासी मतलब कह सकते हो वर्चुअल बनता है और कैसा बनता है समान आकार का बनता है सेम साइज का बनता है ठीक है ये विशेषता होती है प्लेन मिरर की लेकिन अगर सीधा मतलब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा किसमें बनता है छोटा किसमें बनता है तो ये आपका बनता है कॉन्वेक्स मिरर में ठीक है ये किसमें बनता है कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में बनता है और उल्टा और छोटे आकार का उल्टा उल्टा इमेज कैसा किस में बनता है उल्टा इमेज याद रखिएगा कॉनकेव मिरर में ठीक है किसमें बनता है कॉनकेव मिरर में बनता है और उल्टा और बड़े आकार का वास्तविक और उल्टा आप जानते हो रियल और इन्वर्टेड इमेज तो में बनते हैं तो ये कॉनकेव मिरर में बनते हैं में बनते हैं कॉनकेव मिरर में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया सभी लोग ए आंसर बता रहे हैं ये किसकी विशेषता है ये प्लेन मिरर की है ये कॉन्वेक्स मिरर की है ये कॉनकेव मिरर की है और ये भी आपकी कॉनकेव मिरर की हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दो इसमें कोई प्रॉब्लम हो करवा चुके हैं आता होगा आप सभी को चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से फ्यूज़ या फिर फिलामेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ठीक है फ्यूज़ या फिर फिलामेंट से यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है जब उसमें पर करेंट जाती है तो उसका तंतु जो होता है जो उसका फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है ठीक है लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाली तार नहीं चमकती है तार नहीं चमकता है लेकिन वो गर्म हो जाता है तार ना चमकने के पीछे का कारण क्या है <clears throat> नेहा इसके पहले आ, पता नहीं कौन सा एक प्रीवियस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो करवा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर के आए थे बहुत सारा आ, या तो अगर कहीं से कनेक्ट हो मेरे साथ में तो एक बार बता देना पीडीएफ एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ जाके देख लेना सारी ठीक है एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ देख लेना बताइएगा निम्न में से कौन सा इसका कारण हो सकता है तार की प्रतिरोधकता तंतु से अधिक है तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम है तंतु प्रतिदीप्तशील पदार्थ का बना है क्या हो जाएगा देखो अगर फिलामेंट की बात करते हैं पहली बात तो जो बल्ब होता है ना बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है और उस टंगस्टन में क्या होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है ठीक है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है तभी तो कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तंतु जो है गर्म हो जाता है लेकिन विद्युत धारा ले जाने वाली तार चमकती नहीं है इसके पीछे का कारण होता है क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो तंतु से कम होती है बाकी टंगस्टन की अगर बात करी जाए तो रजिस्टिविटी भी उसकी बहुत ज्यादा होती है बेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है बाकी इसमें क्या हो जाएगा वायर हैज लेसर रजिस्टेंस देन द फिलामेंट इसी वजह से वो चमकती नहीं है बहुत बढ़िया बी वाला रजनी का आंसर आया है सारिका शालू नेहा ज्योति शेष छवि गुलिस्ता गरिमा गरिमा ने तो सी बताया है बी वाला आंसर आपका हो जाएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे ये अभी बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा और आप सभी को बताना है संजना के पास तीन चुंबक हैं ए बी और सी जिनके ध्रुव क्रमशः आप देखिएगा मतलब यकीन मानो मैग्नेट से इतना क्वेश्चन पूछा गया है हर एक पेपर में मैग्नेट से क्वेश्चन हमें मिले हैं इस वजह से सारे मैग्नेट के क्वेश्चन हमने रखे हुए A1, A2, B1, B2, C1, C2 अंकित किए गए हैं चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उसने प्रेक्षण किए एवन रिपल्सिस बीवन ये तो बहुत जल्दी बता दोगे अभी शायद दो या एक दो दिन पहले ही करवाया है एवन रिपल्सिज सी टू इफ सीवन इज नॉर्थ पोल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आपको बताना है अगर सीवन नॉर्थ पोल है राधे राधे अगर C1 नॉर्थ पोल है तो क्या हो जाएगा देखो ये तीन मैग्नेट है आपके ये A1 A2 ठीक है कल कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ में आया C1 C2 अब इसने डिफाइन कर दिया है ठीक है है इसने डिफाइन कर दिया है कि C1 आपका कौन सा है नॉर्थ है C1 नॉर्थ है तो C2 क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा फिर कह रहा है A1 जो है रिपल्स कर रहा है C2 को तो A1 C2 को रिपल्स कर रहा है मतलब C2 और A1 का जो पोल होगा वो सेम होगा फिर कह रहा है A1 रिपल्सिस B1 मतलब ए वन और B1 का भी सेम होगा अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बहुत बढ़िया गूगल ने पहले ही बता दिया है दोनों ए वन और बी वन के जो पोल होंगे वो कैसे हैं साउथ हैं A1 और बी वन दोनों के ही पोल कैसे हैं साउथ हैं तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलेंगे ठीक है दर्पण से रिलेटेड क्लास लेंगे चलो लास्ट में ही पूरा दर्पण ही एक्सप्लेन कर देंगे यदि आप मान लें प्रत्येक केस में एक सेल और एक बल्ब है आपको एक सेल दिया गया है ठीक है और एक बल्ब दिया गया है आपको बताना है अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सबसे अधिक तेजी से कौन जलेगा सबसे अधिक उदीप्त कौन होगा एक बल्ब तथा एक सेल एक बल्ब तथा दो सेल दो बल्ब तथा एक सेल या दो बल्ब तथा दो सेल जल्दी से स्पीड में आंसर बताएंगे गरिमा नेहा लकी रंजू गुलिस्ता, जितने लोग भी हैं सभी को आंसर बताना है सबसे तेजी से कौन जलेगा सबसे तेजी से कौन जलेगा ये बताना है आपको सबसे तेजी से कौन जल रहे होंगे जब एक बल्ब को दो सेल के साथ में कनेक्ट किया जाता है ठीक है क्या होगा जब एक बल्ब को एक बल्ब को दो सेल के साथ में जब हम कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा ये बल्ब ज्यादा तेजी से जलेगा जब एक बल्ब को एक सेल से कनेक्ट किया जाएगा तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा आगे देखेंगे अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर सेवन

काली छाया छाया को बनाता है। है, है। है, कह रहा है। shadow can be formed by objects only. केवल द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। Question number seven का बताना क्या होगा Question number seven, क्या छाया की लंबाई उसकी इमेज की लंबाई के बराबर होती है या फिर द शेप ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया गूगल गर्ल बस आप आंसर बताते जाओ आपको आ रहे होंगे और अगर आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़े थे नहीं तो फिर यही होगा ना कि आप पढ़ा चुके हैं ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन हो ठीक है करवा चुके हैं इस वजह से बता रहे हैं कभी भी देखे हो छाया की लंबाई और जब जो आपका इमेज बनता है जो आपका प्रतिबिंब बनता है समान नहीं होता है ठीक है कभी भी समान नहीं होता है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा नहीं आए तो बता सकते हो ठीक है अगर नहीं आता है तो बता सकते हो क्वेश्चन नंबर देखेंगे स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे physics के बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे तो बस करते जाओ आप ठीक है क्वेश्चन कह रहा है तीन लिक्विड दिए गए हैं ए बी सी उनका मास दिया गया और उनका वॉल्यूम दिया गया है ठीक है मास दिया गया है वॉल्यूम दिया गया है और वाटर की डेंसिटी भी दी गई है कितनी है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा गया है ठीक है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा गया है फॉर्मूला आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम ठीक है क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है होता है कि नहीं होता है बस आपको क्या करना है फाइव बाई पॉइंट फोर अपॉन में फाइव इसको करोगे अपॉन में 50, और इसको करोगे तो वन थर्टी में हंड्रेड अगर देखो कह रहा है पानी का घनत्व एक है पानी का घनत्व आपका एक है तो जब पानी का घनत्व एक है इसका मतलब जानते हो क्या होता है अगर इन लिक्विड लिक्विड का ठीक है जो ये दिए गए हैं अगर इनकी डेंसिटी एक से कम है तब तो वो इसमें डूब जाएगी अगर एक से ज्यादा है तो वो उसमें तैरती रहेगी तो द्रव ए जल में अगर आप इसको सोल्व करोगे तो फाइव वन जा फाइव कुछ समथिंग जाएगा इसको सॉल्व करोगे क्योंकि ये 46 से नीचे 50 या 500 है तो 0.0 समथिंग जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 1.3 समथिंग आएगा करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा कि बी वाला जो है बी वाला जल के घनत्व से कम है इसलिए बी वाला जल पर क्या करेगा तैरेगा लिक्विड बी लिक्विड बी विल फ्लोट इन वाटर ठीक है लिक्विड बी फ्लोट इन वाटर नहीं आए तो बता देना एक बार से क्या कोई है क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रहे वैसे तो ये तो आ रहे होंगे सारे ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे क्वेश्चन जल्दी ही किए आपने विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं लिखा गया है ध्वनि के संबंध में कौन सा सही नहीं लिखा गया है कह रहा है साउंड फ्रॉम अ वॉयलिन एंड फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रेवल एट सेम स्पीड समान चाल से समान ध्वनि चलती है ठीक है समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगे सदैव एक समान उच्चता होगी कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज हॉट एयर इन हॉट एयर इज मोर देन डैट रूम टेम्परेचर या फिर स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाई डेंसिटी ऑफ मीडियम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कौन सा सही नहीं लिखा गया है क्वेश्चन नंबर नाइन का आपको बताना है कौन सा नहीं सही लिखा गया है अर्चना ज्योति अवधेश आकृति सभी को बताने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कौन सा सही नहीं लिखा गया है मैम कौन किस पर तैरता है चलो बताते हैं कौन किस पर तैरता है देखो जैसे मान लो कोई ये पानी था ठीक है मान लो ये पानी था अगर इसकी डेंसिटी एक है अगर इसकी डेंसिटी एक है और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी जीरो पॉइंट जीरो एट समथिंग है मतलब इसकी डें जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी कम है मतलब क्या है ये तैरेगी ये वस्तु तैरेगी लेकिन अगर मान लो इसकी डेंसिटी एक है ठीक है इसकी डेंसिटी एक है तो वो उसकी ज्यादा है तो वो उस पर डूब जाएगी ठीक है तो वही तो लिखा था तो क्वेश्चन में कहा चला गया जल द्रव भी जो है जल में क्या करेगा तैरेगा क्योंकि वो उससे कम था चलो इस वाले क्वेश्चन को बताओ भी। कौन सा सही नहीं है ठीक है ठीक नेहा दर्पण से रिलेटेड भी क्लास हो जाएगी अभी दर्पण से और भी क्वेश्चन आपको क्लास में मिलेंगे दर्पण से और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दो साउंड समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगे सदैव एक समान नहीं होती हैं क्योंकि कह रहा है टू साउंडल equal loudness. Loudness equal कैसे हो जाएगी लाउडनेस तो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर आयाम पर निर्भर करती है तो फिर ये बराबर कैसी हो जाएगी है ना कैसे बराबर हो सकती है तो बी वाला जो है इन्होंने गलत लिख दिया है आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर टेन

दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही लिखा गया है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू डेट ऑफ अप्लाइड फोर्स या यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज डेट ऑफ फोर्स प्रेशर और फोर्स की यूनिट सेम होती है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा गया ये बताना है जल्दी से बताएंगे सभी लोग बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन है आप जितनी अच्छे से आंसर करते जाओगे जितनी बढ़िया से तो उतनी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन होते जाएंगे क्या हो जाएगा आप सबको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया तो दाब क्षेत्रफल के दाब क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती है ना

ठीक है बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चले आगे की तरफ जल्दी से बताएंगे सभी लोग सभी बताएंगे तो फिर आगे की तरफ चलेंगे यहाँ तक कि आ रहे हैं ना दस क्वेश्चन हो चुके क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेंगे क्या कहता है किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है ठीक है उनके वेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है हल्की वस्तु और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है कि दोनों का क्या है बराबर लिखा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन लाइटर वस्तु भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक होता है दोनों का वेग समान होता है या वेलोसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट लेस देन लाइटर ऑब्जेक्ट या फिर वेग की तुलना ही नहीं की जा सकती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गति ऊर्जा एक बराबर है हल्की और भारी वस्तु की क्या हो जाएगा मैंने बहुत बार बताया है कि जो भारी वस्तु होती है ना उसका वेग कम हो जाता है हल्की वस्तु के कंपैरिजन में ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज लेस देन लाइटर ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी सॉल्व करना आता है ना तो आप वैसे भी समझ सकते हो भारी चीजें कहाँ तेजी से दौड़ पाती हैं दौड़ पाती हैं क्या भारी चीजें? एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए मोटे लोग जल्दी से दौड़ पाते हैं? बाकी करने के लिए आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कह रहा है गतिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एम वन वी वन स्क्वायर इज टू तो में का कहीं कहीं ना मास कही, जो है 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 के inversely proportional हो गया ठीक कहने का मतलब क्या है मास वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है तो अगर मास ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये काम है मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा इनवर्सली में जानते हो ना तो इसी तरीके से कह सकते हो अगर नहीं भी आता है सॉल्व करना तो वेलोसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज लेस देन लाइटर ऑब्जेक्ट अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सी वाला ऑप्शन आपका सही था अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 मैग्नेट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने راس रख लिए सारे ठीक है किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा और साथ में कुछ उत्तर देने के लिए भी कहा बताना है कौन सा वाला चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ कौन सा वाला सही है करने मतलब चुंबक अपना चुम्बक तो खो देगा कौन से मेथड के थ्रू चुंबक के दो दो टुकड़े कर चुंबक को गर्म कर दो जल में फेंक दो या फिर हथौड़े से पीट दो कर चुके हो क्वेश्चन तो थोड़ा जल्दी आंसर बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा जल्दी से बताएंगे सपना अंशु ज्योति अवधेश रजनी गूगल गल ज्योति अंबिका सभी आंसर करो ना आधे लोग आंसर क्यों करते हो देखो जमीन पर गिराओगे तो इससे भी चुंबकत्व खत्म हो जाएगा दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो चुंबकत्व नहीं खत्म होता है गर्म करने से भी चुंबकत्व खत्म हो जाता है जल में फेंकने से भी चुंबकत्व नहीं खत्म होता है हथौड़े से पीटोगे तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा ए सी और ई वाला सही है ठीक है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला आंसर ठीक है सी आंसर आपका सही है आगे बढ़ेंगे अगले कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए क्वेश्चन नंबर थर्टीन

या स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है सी कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन जल्दी से इसका भी आंसर बताएंगे गलत तो कौन सा लिखा गया है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में गलत तो कौन सा लिखा गया ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करना आप सबको पता होगा आप सबको पता होगा स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है ग्रेटर होता है रोलिंग फ्रिक्शन के ठीक है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन के ठीक है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो यहीं पर ये उल्टा लिख दिया कि रोलिंग फ्रिक्शन

रोलिंग और स्लाइडिंग तीन प्रकार के होते हैं जिसमें कि आपको क्लियर हो गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिख दिया है ठीक ठीक है कि नहीं ठीक है ए वाला आंसर सही है अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो लेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा ही इस क्लास में है तो अ कॉन्वेक्स लेंस सबमर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल एक्ट अस एक उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति काम करता है कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह से काम करता है लेंस लेंस की 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 तरह, की तरह, तरह। समतल दर्पण मिरर या फिर अभी सारी की तरह? बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन पर रोलिंग बहुत बढ़िया राधे श्याम बता रहे हैं हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा उच्च तरह काम करता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है? वैसे तो होता है कन्वर्जन लेकिन जब द्रव माध्यम में डुबोया जाता है तो यह किसकी तरह काम करेगा किसकी तरह डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है अपसारी लेंस की तरह काम करता है जहां एक जगह से बहुत सारी जगह पर किरणें निकल रही होती अब सारी लेंस की तरह अच्छा आप सबको पता होगा कि आपकी आंखों में भी आंखों में भी एक प्रकार का लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है ठीक है बाकी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पानी की बूंद होती है वो किसकी तरह काम करती है जल्दी से बताएंगे पानी की बूंद जो होती है वो कौन से लेंस की तरह काम करती है अच्छा ठीक है उसे हम सब गुचड़ पुचुड़ हो जाता है क्वेश्चन नंबर बताएंगे ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तीव्रता और प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है ये बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर दोनों में विभेदन कैसे कर सकते हो आप दोनों में आप विभेदन कैसे कर सकते हो ये बताना है कोई भी चीज जैसे होता है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तबला और बांसुरी में आपको लिखा हुआ यही आपके आ, सिलेबस वाली किताब में भी यही है तबला और बांसुरी में कैसे आप अंतर कर सकते हो कैसे विभेदता कर सकते हो तो उनकी गुणता के कारण ठीक है उनके क्वालिटी के कारण ठीक है उनकी क्वालिटी के कारण जो है दो समान आवृत्ति वाली चीजों में जो है समान तारत्व वाली चीजों में आप भेद कर सकते हो उनकी क्वालिटी के कारण तो बी वाला आंसर आपका सही होगा ठीक है बी आंसर आपका इस पे करेक्ट हो जाएगा अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन 16 क्वेश्चन नंबर देखेंगे ये क्या कहता है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए एक कथन दिया गया अभी कथन ए और उसका रीजन दिया गया है रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है रीजन दिया गया क्योंकि अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक होते हैं क्या ये सही लिखा गया है आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा कि अच्छे अवशोषक जो है अच्छे ऊष्मा के अच्छे ऊष्मा के अच्छे, अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक भी होते तो ये रीजन तो बिल्कुल सही लिखा गया है तो इसका मतलब क्या और ये भी इन्होंने सही लिखा है कि रेफ्रिजरेटरों के पाइप पर जो है क्या करते काला पेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एसर्शन और रीजन दोनों ही सही लिखे गए हैं और इनकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं तो ए वाला आंसर आपका सही होगा ठीक है ए आंसर आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा चले अगले प्रश्न की तरफ आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ये देखो फिर से कहीं ना कहीं मैग्नेट या फिर चार्ज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका आ गया है कि व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बहुत बार क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन हमें दो बारी मिला है इस वजह से मैंने रख लिया दोनों रखे दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब किया जाता रगड़ा जाता है तो दे कुड अक्वायर वो क्या अर्जित कर सकते हैं वो क्या अर्जित कर सकते हैं अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड समान परिमाण के विजातीय आवेश लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड समान परिमाण के सजातीय आवेश या अनलाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड या लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताएंगे इस पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो उदासीन उदासीन वस्तु, वस्तु मतलब आप जानते आवेश होते हैं उनका स्थानांतरण भी होता है लेकिन जब दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तब उनमें क्या हो सकता है क्या अर्जित करते हैं अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड समान परमाण के विजातीय आवेश को अर्जित कर पाते हैं ठीक है समान परिमाण के विजातीय आवेश को ठीक ए आंसर आपका सही हो जाएगा लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस तो जानते हो ना लाइक like चार्जेस क्या होते हैं लाइक like चार्ज क्या होते हैं जब पॉजिटिव या और पॉजिटिव चार्ज आपस में होते हैं उनमें क्या होता है रिपल्सन होता है तो इसे क्या कहा जाता है ये कौन से चार्ज है ये लाइक like चार्जेस होते हैं अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में जो है इनमें जब अट्रैक्शन होता है इसे क्या कहा जाता है अनलाइक चार्जेस कहा जाता है तो वही क्वेश्चन था अनलाइक चार्जेस ऑफ़ क्या अर्जित करेंगे अनलाइक चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के विजातीय आवेश को जो है ये अर्जित करते हैं अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एसर्शन दिया गया है और उसका कहीं ना कहीं ये देखो रीजन भी दिए गए हैं टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्ट कंडक्शन इज मोर देन डेट ऑफ अंसुलेटर वैन इन अ रूम ओवरनाइट कह रहा है कि जैसे मान लो अगर रूम आपके रूम का टेम्परेचर एक जैसा है तो कोई भी वस्तु रखो सेम ही टेम्परेचर पर होगी लेकिन ये महाशय कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्शन इज मोर देन डेट ऑफ अ इंसुलेटर व्हेन केप्ट इन अ रूम ओवरनाइट रीजन दे रहा है हीट हीट फ्लो वेरी स्लोली थ्रू कंडक्टर्स मेकिंग देम हॉट ऐसा क्या कुछ होता है जल्दी से बताएंगे बढ़िया राधेश हम चलो क्वेश्चन नंबर एटीन का बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ये लो इंग्लिश हिंदी हिंदी देख लो कह रहा है रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है, तो बिल्कुल गलत लिख दिया है इन्होंने ठीक है क्योंकि दोनों का ताप समान हो जाएगा फिर चालकों में हीट ट्रांसफर कहां से कहां पर होता है याद रखिएगा हीट ट्रांसफर हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर होता है ठीक है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां मैंने बता रखी है कौन कौन सी कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन तो इन्होंने कहा है कि चालकों में ऊष्मा का प्रवाह धीरे होता है भाई हमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे तो क्या हो जाएगा दो के दोनों ही चीजें इन्होंने गलत लिख दी है अभिकथन और कारण दोनों ही गलत लिखा गया है हाँ हाँ हिंदी है शेष वर्मा हिंदी भी है इंग्लिश भी है, दोनों में ही है ठीक है चलो इसको देखो फिर आगे चलें क्या अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर आधे घंटे हो गए हैं क्वेश्चन बहुत सारे हैं चलो क्वेश्चन नंबर 19 नेहा कह रही थी हमें प्रतिबिंब के क्वेश्चन करवा दो नेहा आप देखो आप क्लियर कर लेना हां हां सब हिंदी वाले ही हो भाई सब हिंदी वाले हो। चलो इसको देखो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के लिए सदैव सही होगा अवतल लेंस के लिए हमेशा बताया है अवतल लेंस में अवतल लेंस हो और चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल लेंस जिसको क्या कहा जाता है कॉनकेव लेंस ठीक है अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमेशा ही सेम होती है प्रतिबिंब बनता कैसा है प्रतिबिंब बनता कैसा है वर्चुअल बनता है इरेक्ट बनता है और कैसा बनता है बनता छोटा बनता है वस्तु से कैसा बनता है छोटा बनता है तो क्या हो जाएगा कैसा बनता है ये बताए क्या फिर से इसको किसको किसको अभी ये नहीं आता है नेहा तो चली गई नेहा तो है नहीं बाकी सबको तो आता है बताओ जल्दी से बताएं या फिर सबको आ रहा है क्या हो जाएगा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा डी आंसर सही है ठीक है सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा चलो एक बार से बता देते हैं ताकि सबको आ जाए याद रखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस इनके इमेजेस सेम बनते हैं कैसे बनते हैं वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड ऐसे ही बनते हैं आभासी सीधा और वस्तु से छोटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताएंगे जल्दी से तो यही वही है मैम मुझे नहीं आता है चलो ठीक है फिर तुम्हें बता ही देते हैं ये वाला आया कि अब बताओ अब अब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा एक ही बार में दोनों तैयार कर लो उत्तल दर्पण का भी अवतल लेंस का भी ऐसे ही अब जो बचे हैं अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इनके कैसे बनते हैं इनके कैसे बनते हैं तो इनके बनते हैं वास्तविक और उल्टा आभासी भी बनता है सीधा भी बनता है छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है ठीक यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हमेशा ही आता है ठीक एक यहां है एक क्वेश्चन से फिक्स हमेशा बताते आता आता ही आता है चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर देखेंगे ये क्या कह रहा है आपका बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधों से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है चौड़ी पट्टियां हो ठीक है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधों से लटकाना वही वाला है पी टू एफ अपॉन ए एरिया ज्यादा प्रेशर कम एरिया कम प्रेशर ज्यादा वही सेम कॉन्सेप्ट लगा देना है आप खुद ही देखोगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं हमें एक लेंस और हाँ 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 लेंस जो दोनों लिखे हैं ना इन्हीं की प्रॉपर्टी सेम होती है अभी आया राधे शाम की नहीं हाँ चलो तो इसे बताओ बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधों के लटकाने पर वाले बैग को उठाकर ले जाना आसान क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि क्योंकि बैग द्वारा लगाया द, गया दाब घट जाता है मतलब एरिया एरिया ज्यादा एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम समझ रहे हो एरिया ज्यादा प्रेशर कम तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा नहीं समझ आया हो तो बता दो

पोल में उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है बोथ एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखो दो भागों में तोड़े जाने वाले चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है रीजन दिया गया है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल होता है कथन और कारण दोनों सही है परंतु अभिकथन सही व्याख्या नहीं करते हैं अभिकथन कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन सही व्याख्या करता है अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन भाई देखो चुंबकत्व तो नहीं खोएंगे दो पार्ट में तोड़ेंगे तो दो मैग्नेट बन गए ना तो अभी कथन गलत हो गए लेकिन रीजन इन्होंने सही दिया है कि, कि किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना यहाँ पर मैग्नेटिज्म ज्यादा देखने को मिलता है परंतु कारण इन्होंने सही लिख दिया है डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है डी आंसर आपका सही हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 टू विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ यूजफुल आउटकम्स उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है आप सबको पता होगा घर्षण ज्यादा होगा मतलब सतह खुरदुरी ज्यादा होगी घर्षण कम करने के लिए कह रहा है मतलब सतह को चिकना करना चाह रहा है आपको बताना है मेकिंग ग्रूव्स ऑन शू सोल्स चूतों की तली तलवों पर ढांचे बना करके घर्षण को कम करेंगे ट्रकों के टायरों को खांचेदार बना करके घर्षण को कम करेंगे स्वचालित वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग करके या मशीन के गतिशील पुर्जों में ग्रेफाइट की परत को लगा करके बताएंगे बहुत इजी क्वेश्चन है बताएंगे जल्दी से घर्षण को कम कैसे किया कर, कैसे कर सकते हैं घर्षण को कम कैसे कर सकते है? उस उसपे ग्रेफाइट चिकना होता है ना ग्रेफाइट को लगा देंगे तो वो चिकना हो जाएगा तो चिकनी सतह को बना करके क्या हम कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं घर्षण को कम कर सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डी आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है डी आंसर आपका सही है चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या कह रहा है अरेबिट फास्टेस्ट स्पीड स्पीड दे दी है फिफ्टी सिक्स किलोमीटर पर आर इफ इट हैज अ कवर डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट फाइव किलोमीटर ढाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम बताना है इन मिनट्स में ठीक है वही चाल बराबर दूरी बटे समय है ना चाल बराबर समय बराबर क्या हो जाए दूरी उसने कितनी कवर करी है टू किलोमीटर डिस्टेंस कि उसने कितनी कवर करी है फिफ्टी सिक्स किलोमीटर दोनों को डिवाइड कर दो उसको इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व कर चुके हो ना इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग तीन मिनट आ जाएगा टू पॉइंट एट 2.8 एट आएगा और अगर आप पूरी तरीके से करोगे पूरी तरीके से करोगे तो आपका तीन मिनट हो जाएगा ठीक है तीन मिनट हो जाएगा अगले प्रश्न रिवीजन अच्छा हो जाएगा बस इतना जान लो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा आज की क्लास पूरी के तरीके से रिवीजन पर ही है कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग हाँ अच्छा बताते हैं। अभी एक और मिरर का इसको करो एलिशा बुक देखो वैसे तो कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहा जाता है और कॉनकेव को क्या कहा जाता है डाइवर्जिंग कहते हैं लेकिन जब आप मिरर की बात करते हो तो ऐसे हो जाता है ठीक है एलिशा बुखार से पीड़ित थे उसकी सहेली से उसका ताप मतलब थर्मामीटर से देखा तो एक डिग्री सेल्सियग्रेड था दाई और दो भाग और अधिक है दाई और दो भाग और अधिक है फिर उसने कंडीशन दिया जो कि लोग पढ़ते ही नहीं है दो बड़ी रेखाओं के बीच में पांच भाग है दो बड़ी रेखाओं के बीच में पांच भाग है और कह रहा है एक सौ एक डिग्री है दो भाग ज्यादा है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देखो पांच बराबर एक है तो एक खाना बराबर कितना हो गया एक बटे में पांच मतलब पांच दूनी दस जीरो पॉइंट दो के बराबर और वो कह रहा है दो भाग अधिक है दो भाग एक भाग बराबर जीरो तो दो भाग बराबर जीरो दशमलव चार डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है एक सौ एक दशमलव चार डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए वाला आंसर ठीक है सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन 25 देखेंगे ये क्या हो जाएगा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझावात का आ, बादलों के दौरान गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए आपको कौन सी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जब बादल गरजते हैं तब आपको क्या नहीं करोगे तार वाले फोन से बातचीत करना जमीन पर उकड़ू होकर के बैठना मोबाइल का उपयोग करना या छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना आप कौन सा काम नहीं करोगे जल्दी से बताएंगे कौन सा काम नहीं करना चाहोगे आप कभी भी जो है इस तरीके में तार वाले फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है? तार वाले फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे सभी लोग क्लास देख लो सबके लिए हेल्पफुल है वैसे तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्योंकि सीटेट का एग्जाम है चलो क्वेश्चन विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग ध्वनि तरंगे किस पर गति नहीं कर पाएंगी ध्वनि देखो भाई के पूरा जो है ऑनलाइन पेपर करवा रहे हैं क्योंकि होता ही नहीं है कोई करवाता ही नहीं है ध्वनि किस पर गति नहीं कर पाएंगी लकड़ी के स्केल पर धातु के तार पर लक, कपड़े के धागे पर या फिर निर्वात में साउंड वेव आप सभी लोग जानते हो कि निर्वात में ट्रेवल कर ही नहीं पाती है क्योंकि इनको चाहिए क्या एक मीडियम की जरूरत होती है ठीक है, साउंड वेव एक मीडियम में ट्रेवल करती है और आपको पता है वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है इस वजह से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला आंसर इसमें ही यह ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। ठीक है तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर देखेंगे स्तंभ ए को स्तंभ बी से मैच कराओ

मोर सबसे ज्यादा सॉलिड में, में होती बिल्कुल सही आकृति बता सकते हो आपकी क्लास जो है ना स्टार्ट हो चुकी है ठीक चले आगे बताएंगे ट्वेंटी सेवन बताना अभी ट्वेंटी एट सिक्स पर ही पड़े हो क्या हो जाएगा पिन होल कैमरा होल कैमरा या मैंने बताया था न्यूटन का जो चक्र है वो किसका बना हुआ होता है एक वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा सात रंगों से पीट पेंट किया गया रहता है और एक कील होती है उसमें तो ये न्यूटन का चक्र होता है ठीक है ये न्यूटन का चक्र बाकी आपको पता होगा कि बहुरूप दर्शी जिसको कैलिडोस्कोप कहा जाता है इसमें किसका प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ठीक है थीके? और कलरफुल चीजें कलरफुल चीज़ें, है सत्ताईस का क्या बता रहे हो बी बता रहे हो चलो ठीक ठीक बता रहे हो पहुंच जा रहे हो ठीक है पिन होल कैमरे में क्या होता है पिन होल कैमरे में तीन आयताकार दर्पण की पट्टियां होती हैं। बाकी पिन होल कैमरा में इमेज कैसा बनता है पिन होल कैमरा में भी आभासी बनता है सीधा बनता है कलरफुल इमेजेस बनती हैं। इसमें ठीक है इस पे। तीन आयताकार दर्पण पट्टियां एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्तरी चूडियों के कुछ टुकड़े लेते हैं गत्ते की ट्यूब लेते हैं और एक चक्रिका लेते हैं इंपॉर्टेंट है आप इसको मतलब रट करके मत जाओ ठीक है इसको रट करके मत जाओ लेकिन आप अलग अलग पढ़ लो होल पिनहोल कैमरा क्या है बहुरूपदर्शी किससे बनता है परिदर्शी कैसे बनता है न्यूटन का चक्र किससे बनता है अलग अलग करके तैयार करके जाओ जिससे कि आप जो है बढ़िया तरीके से क्योंकि हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना ऐसा नहीं हवा में उड़ा दो इन्हें एट वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड प्रबलता और आवरत्ति, आवरत्ति, आवरत्ति पर क्या रिलेशन होता है जल्दी से बताएंगे आवृत्ति सॉरी प्रबलता और आयाम में क्या रिलेशन होता है यह आपको बताना है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अभी बहुत बार बता चुके हैं लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ठीक है लाउडनेस एम्पलीट्यूड के लेकिन जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब किसी किसी ना किसी एक सेट में जरूर यह क्वेश्चन आएगा ठीक है जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिलेगा नीचे दिए गए अनुच्छेद इंद्रधनुष बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है जब बारिश होती है पानी की बूंद से जब सनलाइट जाती है एक कोई लाइट तो वो सात बूंद होती है वो प्रिज्म का काम करती है और वो सात रंगों में विभाजित हो जाती है क्या हो जाएगा ए बी सी डी की पहचान करनी है सूर्य का प्रकाश जब छोटी-छोटी बूंदों -छोटी पर पड़ता है कुछ दो माध्यमों के बीच बीच की सतह ए हो जाती है क्या हो जाती है ये बताना है क्या हो जाती है ठीक है संघटक रंगों में बट जाती है और बी रंग सबसे ज्यादा विचलित तो कौन सी होती है देखो पानी की बूंद सूर्य का प्रकाश या व्हाइट लाइट जिसको कहते हैं व्हाइट लाइट जाती है तो ये सात रंगों में विभक्त हो जाती है ऊपर रेड होता है नीचे वॉयलेट होता है ठीक है सबसे कम बेंडिंग ठीक है लीस्ट बेंडिंग किसमें होती है रेड में होती है और सबसे ज्यादा झुकाव किसमें है मैक्सिमम बेंडिंग किसमें होती है मैक्सिमम बेंडिंग होती है वायलेट में ठीक है सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है वायलेट का सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है रेड की अगर इसी में बात करी जाए वेवलेंथ की सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है तो वही कह रहा है एक तो उनमें क्या हो जाएगा अपवर्तन होगा ठीक है अपवर्तन होता है संगठक रंगों में बट जाती है बी रंग सबसे अधिक बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होती है उसका वेग सी होता है ठीक है लाल का वेग वेलोसिटी सबसे ज्यादा लेकिन बैंगनी की सबसे कम होती है जबकि रंग डी सबसे कम सबसे कम विचलन किसमें होता है लाल में होता है और उसकी आवृत्ति की बात कर रहा है तो आवृत्ति क्या होती है न्यूनतम होती है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो ये न्यूनतम होती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला आंसर एक ये क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा मतलब देखो तो आप रिफ्लेक्शन ठीक है रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन ठीक है सारे ही एक तरीके से पूरा पढ़ सकते हो एक क्वेश्चन से इस वजह से एक क्वेश्चन उठाना है पूरा चैप्टर पढ़ना है तो इसी वजह से लेकर क्या है ताकि आप देख लो जब भी देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है जनरली आप जानते हो रिफ्रैक्शन में क्या होता है दो मीडियम की जरूरत होती है ठीक है दो मीडियम की तो सनलाइट क्या है एक प्रिज्म का काम कर रहा है तो एक मीडियम को क्रॉस कर रहा है ना इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ रिफ्रैक्शन हुआ बाकी मिनिमम रेड और मिनिमम ये सब तो बता ही दिए क्यों होगा ये समझ में आया तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा ए वाला आंसर आपका सही है ठीक है ए आंसर आपका सही हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी पर चलेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी Uh, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पांच किलोग्राम ठीक है पांच किलोग्राम का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित छिज पृष्ठ पर दस मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है ठीक है नियत वेग से फिसल रहा है इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी बल बताना है क्या हो जाएगा चलो बताओ भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर बताना है अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर बताओ घर्षण रहित है और जब घर्षण रहित हो जाएगा चिकनी सतह हो जाएगी चाहे कितने पर भी चलेंगे क्या हो जाएगा फोर्स न्यूटन वो जीरो ही तो हो जाएगा ठीक है फोर्स क्या होगा जीरो हो जाएगा मैम जैसे मैम लेंस रिफ्रैक्शन और मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है बिल्कुल आकृति बिल्कुल सही ठीक है

प्रेक्षण करने पर क्या मिला है उसको लौह रेतन चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा सल्फर दक्षिणी ध्रुव पर आकर्षित होंगे लौह रेतन चुंबक के दक्षिणी ध्रुव सल्फर उत्तरी ध्रुव पर आकर्षित होंगे या केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगा या लौह रेतन दोनों ध्रुवों के आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के दोनों ओर आकर्षित होगा बताएंगे भाई सल्फर कब से आकर्षित होने लगे सल्फर कब से आकर्षित होने लगे तो लौह रेतन ही केवल जो है चुंबक के दोनों ओर ध्रुवों की ओर आकर्षित होंगे ठीक है लोह रेतन रे ही ठीक है ओनली द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड इक्वली टू बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा चलेंगे अगले प्रश्न पर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर चलेंगे यह क्या कह रहा है आपको एक अवतल दर्पण उत्तल लेंस और एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस देख रहे हो मतलब इंसान सुन के पागल हो जाता है लेकिन आपको डरना नहीं क्योंकि सारी चीजें तो सीख चुके हो किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो उपयोग करोगे अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस का अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस या अवतल दर्पण कैसा बिंब का विवर्धित मतलब किसमें बनती है इन इस तरीके ये प्रीवियस कुछ अपने मन से क्वेश्चन नहीं लेके आ गई हैं ये प्रीवियस ईयर है आपको बताना है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा विवर्धित इन लास्ट इमेज बड़ी इमेज आपको पता है कि उत्तल दर्पण बार बार वही बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में कैसा बनता है वस्तु से छोटा ठीक है डिमिनिस्ड इमेज बनती है तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस अवतल लेंस अवतल लेंस जहां कहीं भी दिख जाए और उत्तल दर्पण जहां कहीं भी दिख जाए अवतल लेंस अवतल लेंस जहाँ कहीं भी दिख जाए क्या है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में कैसा बनता है आभासी बनता है सीधा भी बनता है वस्तु से बड़ा भी बनता है वस्तु से छोटा भी बनता है सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है आभासी भी बनता है वास्तविक भी बनता है डी वाला आंसर आपका सही होगा अब आया कि अभी भी गड़बड़ कर रहे हो

ऑक्सीलेशन दोलन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रीक्वेंसी कितनी है दो हर्ट्ज टाइम कितना है सोलह सेकेंड कितना हो जाएगा बत्तीस दोलन पूरे करेगा कितने करेगा बत्तीस दोलन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है बी वाला आंसर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन थर्टी फोर एक यहां से फिर से क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन सा हो जाएगा पेशीय बल गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय अब ये लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का अब आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ठीक है अब आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी असंपर्क बल पेशीय बल में तो जानते ही हो हम इस हाथ से लिख रहे पेशीय बल मस्कुलर फोर्स ये टच कर रहे हैं ना कॉन्टेक्ट में है तो ये तो संपर्क में आ जाएगा लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल एक दूर से काम कर रहा होता है और ये चुंबकीय बल भी तो ये क्या हो जाएगा बी और सी एक प्रकार के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ठीक है कैसे हैं अच्छा इनका ठंड में दिमाग नहीं चल रहा है ठंड में भाई दिमाग नहीं चलते ठीक है पीछे कहाँ चलेगा चलो भाई अब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ठीक है जल्दी से बताओ एक बार से है ना एनर्जी करवाएं या फिर छुट्टी कर दें कौन कौन कह रहा है छुट्टी कर दें जल्दी से बताएंगे कौन कौन कह रहा है छुट्टी कर दो एक बार से पूछ रहे हैं जल्दी से बताएंगे कौन कौन कह रहा है छुट्टी कर दें या केमिस्ट्री करवाएं जल्दी बताओ जल्दी से बताएंगे कौन कौन कह रहा अभी तो आधे आंसर ही दे रहे चलो भाई अब केमिस्ट्री करते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखेंगे ठीक है एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे उनमें कीड़ा लग गया है आप उसे स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए कौन सी विधि का सुझाव देंगे कौन सी विधि का सुझाव देंगे हम तो क्वेश्चन तो तो वैसे भी करवाएंगे हम तो ये देखना चाह रहे थे कौन कौन आलसी है जो कहेंगे कि मत करवाओ चलो भाई इसे बताओ जल्दी से इसे बताएंगे क्या हो जाएगा आप जैसे आपके पास बहुत सारे बीज हैं कुछ अच्छे बीज हैं कुछ खराब बीज हैं नहीं पहचान पा रहे हो तो क्या करोगे उसको पानी में डाल दोगे ठीक है बीजों को अच्छे बीज और जैसे चना होते हैं ना छोले वगैरह बनाने जाते हो तो चने को पानी में डाल देते हो उससे मम्मी लोग क्या करती है अच्छा वाला चना अलग कर लेती हैं खराब वाले को अलग कर देती है तो किससे बीजों को भी कैसे पानी में डाल करके सही कर लिया जाता है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी आंसर ठीक है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है। परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्यों ये खाद्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकते हैं या फिर ये माध्यम को अम्लीय बना देते हैं जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं ये नमी को कम कर देते हैं जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती या इसमें जीवाणुओं को मारने के लिए रसायन होते हैं जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सिरका अम्लीय होता है ठीक है सिरका क्या होता है नेचर में एसिडिक होता है और जब एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं हाँ इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं मर जाते हैं तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है हाँ हाँ करो भाई थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच ऑफ दी फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टिंग द फायर निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने का में पानी का प्रयोग नहीं करते हैं आग बुझाने में पानी का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है लकड़ी को जलना ना डीजल का जलना कागज का जलना बिजली के उपकरण का हो जाना। आप सबको पता है, जैसे डीजल में या पानी में ही तेल होता है तो वो तेल ऊपर ही ही रहता है, नीचे वाला पानी नीचे वाला पानी पड़ा रहता है ऊपर ऊपर डीजल जो है क्या वो जलता रहता है तो इस वजह से चाहे वो डीजल जल रहा हो चाहे वो बिजली के उपकरणों का शॉर्ट सर्किट हो रहे हो इनमें जो है हमें पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए ठीक है डीजल के जलने में और बिजली के उपकरण को लघु शॉर्ट सर्किट में कभी भी बिजली का लाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा अगले बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सॉरी फोर है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर फ्यूल आर गिवन यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से मैंने तीन चार क्वेश्चन इसके रखे हुए शायद लास्ट में मिलेंगे कैलोरिफिक वैल्यू दी गई है एक तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कैलोरिफिक वैल्यू की यूनिटी यूनिट क्या होती है जूल पर के होता है ठीक है क्या होता है जूल पर केजी होता है इनके स्टेट दिए गए हैं और ज्वलन ताप दिया गया है ठीक है ज्वलन ताप दिया गया है आपको बताना है कौन सा वाला विच ऑफ दी फॉलोइंग इज बेस्ट ऑप्शन एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस डोमेस्टिक पर्पस के लिए कौन सा बिल्कुल सही होगा अगर एक ऐसा ईंधन जिसका जो सॉलिड है और ज्वलन ताप बहुत उच्च है इसे बताओ बहुत इम्पोर्टेंट है चलो हम ही बता देते हैं आपको पता होगा कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर होता है हमेशा ही मध्यम होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर ईंधन है कोई अगर इसका बहुत कम हुआ अगर ज्वलन ताप बहुत कम है तो कोई भी वस्तु तो बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाएगी या बहुत ज्यादा है तो वो जल ही नहीं रही है इसलिए जो प्रज्वलन ताप है हमेशा ही मध्यम होना चाहिए और कैसी अवस्था में होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ठीक है कैसी अवस्था में होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए तो ये दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं ठीक है लेकिन ठीक है ये तो मिल गया कि कैसी अवस्था हो लिक्विड वाला फॉर्म हो लिक्विड फॉर्म हो मीडियम हो ठीक है अब लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो ये उच्च होनी चाहिए ठीक है कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है जिस ताप पर वो जलता है इन दोनों में उच्च कौन सा है इन दोनों में ज्यादा कौन सा है बी वाला ज्यादा है ना तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जो जो कि लिक्विड फॉर्म में हो इन दोनों के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है जो कैलोरीफिक वैल्यू और ये कैसा हो मध्यम हो इस प्रकार के ईंधन का हम लोग प्रयोग करेंगे तो बी वाला आंसर हो जाएगा ये समझ आया कि नहीं समझ आया हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा हंड्रेड परसेंट पूछेगा तो ये वाला समझ में आया बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यही वाले ईंधन का प्रयोग कर सकते हो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है ये देखेंगे चले आगे क्वेश्चन नंबर फाइव सिलेंडर में एलपीजी एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है लिक्विफाइड कभी-कभी एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ठीक है कभी-कभी लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विड नहीं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बताना है सिलेंडर में से निकलते हुए वह गैस बन जाती है इसको जला करके ऊष्मा पैदा की जाती है कौन सा कथन सही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट लिखा गया है ए भौतिक परिवर्तन है बी रासायनिक परिवर्तन है केमिकल है बी फिजिकल है दोनों ही फिजिकल है या दोनों ही केमिकल है क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताएंगे हेलो शैली जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर एलपीजी एक द्रव पदार्थ के रूप में उपयोग करी जाती है ठीक है सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है और गैस में फिर से भर लो तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया एक प्रकार का फिजिकल चेंज है ठीक है इसको जला करके ऊष्मा जल गई ऊष्मा बन गई खत्म हो गई तो कैसा चेंज है तो ये केमिकल चेंज है तो ए में क्या है ए आपका फिजिकल चेंज है बी आपका केमिकल चेंज है जिसको फिजिकल चेंज केमिकल चेंज नहीं आता वन शॉर्ट में पढ़ा रखा है अगर फिर भी नहीं आता है तो बताओ तो एक शॉर्ट में बता देते हैं ठीक है एक शॉर्ट में बता देते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वैसे तो ये आता होगा बहुत सिंपल टॉपिक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे ये क्या कह रहा है सैंपल्स ए बी सी एंड डी आर टेस्टेड फॉर दियर नेचर यूजिंग टर्मेरिक एंड फिनोपथिलीन एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड ठीक है हल्दी और फिनोपथिलीन पर ऑब्जर्वेशन किया गया है और कुछ चीजें नोट करी गई हैं बताना है आपको जैसे हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाता है ठीक है फिनोपथिलीन डालने पर गुलाबी हो जाता है हल्दी डालने पर पीला हो जाता है और फिनपथिलीन डालने पर रंगहीन हो जाता है अब इतने बार ये सारी चीजें सॉल्व कर चुके हो रट गया होगा कि हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जा रहा मतलब क्या है ये छार है फिनॉपथलीन डालने पर गुलाबी हो जा रहे मतलब क्या है ये छार है हल्दी डालने पर कोई चेंज नहीं हो रहा पीला ही हो रहा है मतलब क्या है ये अम्ल है और फिनोक्न डालने पर रंगहीन हो रहे हैं तो या तो ये अम्ल होंगे या तो ये लवड़ होंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जल्दी से आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है अब बताओ डी की प्रकृति क्या है ए और बी तुम्हारे क्या है, है। जबकि सी और डी आपके क्या है सी और डी आपके क्या हो जाएंगे अम्ल हो जाएंगे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मैम फ्यूल फसल है अब वो भी है आकृति है उसके क्वेश्चन ना ईवीएस सेक्शन में रखें सब है दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी फसलों से क्वेश्चन सब क्वेश्चन रखें हर टाइप का क्वेश्चन बता तो नहीं पूरा क्लास तो करो अब वही है ना कि दो घंटे में हो जाए ये भी बहुत बड़ी चीजें हमें लग रही है डी वाला आंसर सही है देखते हैं एक घंटे और अरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम केमिस्ट्री और आधा बायो ही करवा पाएंगे टाइम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन अवसादन के लिए अवसादन की विधि में कौन सा काम आता है अवसादन की विधि क्या होती है गुड इवनिंग रोहित अवसादन की विधि क्या होती है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर एट में आंसर क्या हो जाएगा इसमें क्या हल्के और जल में घुलनशील होना हल्के और जल में अघुलनशील होना हैवी एंड सोलिबल इन वॉटर हैवी एंड इन सोलिबल इन वॉटर कौन सा काम में आता है ठोस कणों का कौन सा गुड़ अवसादन में काम आता है तो वो बहुत जल्दी मिलना बहुत जल्दी तुम्हें सुनने को मिलेगा ठीक है क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी भारी और जल में जो आप अघुलनशील होते हैं उनमें आपको सेडिमेंटेशन प्रोसेस देखने को मिलता है ठीक है भारी और जल में अघुलनशील जो होते हैं तो डी वाला आंसर हो जाएगा ठीक है कोशिश करते हैं तीन घंटे का बाकी देखते हैं बाकी आप लोगों पे भी डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने कुछ प्रेक्षण नोट किए हैं कुछ प्रेक्षण नोट किए क्या जो एक्स है वो जलती है चमकदार रोशनी के साथ जलती और सिलेटी काली राख बचाती है सिलेटी काली राख बचाती है वाई कह रहा है कि कुंचित तो होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करती है जेड कह रहा है मेल्टन बर्निंग जलने पर पिघल जाती है एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे xyz क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहती है ना जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा चमकदार रोशनी के साथ जलती है सिलेटी काली हो जाती है तो ये सिल्क हो जाता है ठीक है फिर कह रहा है कुंचित हो करके जलती है गहरी राख ये डेनिम जो है कॉटन के जैसे जिससे से तो बनती है तो क्या हो जाएगा डेनिम हो जाएगी जलने पर पिघल जाती तो नाइलॉन जलने पर पिघल जाती है कौन सा आंसर 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 हो 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 जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सी सी ठीक है अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है सरफेस एरिया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या फिर विंड स्पीड हवा की गति चलो, अच्छा ये है है पठान वाष्पन की दर किसके होती है? तो ये ह्यूमिडिटी के क्रमानुपाती होती है ठीक है किसके ह्यूमिडिटी के आर्द्रता के व्यु होती है आज शायद वाटर वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे ना हम लोग वाटर वाले चैप्टर में ही पढ़ रहे थे कि ह्यूमिडिटी humidity... जल्दी से बताओ ह्यूमिडिटी को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी किस में मापी मापा जाता है चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको आंसर करना है धातु, धातु D, उसके लवड़ी से विस्थापित करती है। कौन सा क्रम धातुओं में क्रियाशीलता का सही क्रम अभी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिला होगा सभी लोग सही आंसर करना सभी लोग सही आंसर करना सीधे सीधे मैंने पहले भी बताया है कह रहा है धातु ए धातु बी को ए ज्यादा रिएक्टिव हुई तभी तो इसको रिप्लेस कर दी किंतु धातु सी को नहीं विस्थापित कर पाती है मतलब सी कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के है कि सी सबको विस्थापित कर पाती तभी तो ए सी को नहीं विस्थापित कर पाया धातु बी धातु डी को धातु बी धातु डी को विस्थापित कर देता है सही क्रम कौन सा हो जाएगा सी ए बी सी डी डी सी ए बी डी ठीक है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन ठीक है कौन सा वाला ऑप्शन सही है बहुत बढ़िया सी फॉर छुट्टी कौन है ये अच्छा छुट्टी बोले खुशी बोले हो अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर करेंगे ये देखेंगे क्या हो जाएगा निम्न का मिलान कीजिए इससे भी आपके कम से कम से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि वह कौन सी अधातु है जो कि दो रूपों में पाई जाती है मेटल नॉन मेटल दोनों में पाई जाती है एक कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है एक कौन सी धातु है जिसका प्रयोग हम पीतल में भी और कांसे में भी करते हैं और वो कौन सी अधातु है जो जल को रोगाडु मुक्त करने में आज सुबह वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा था और वो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत लेपन में भी किया जाता है पांच क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं आपके ठीक है पांच क्वेश्चन तो वो कौन सी अधातु है वो कार्बन हो जाएगी एक अधातु जो कमरे के ताप अधातु बोल रहा है तो ब्रोमीन होगा धातु बोलता तो मरकरी हो जाता कौन सी धातु जो पीतल और कांसे दोनों के रूप में तो आपकी कॉपर हो जाएगी कौन सी अधातु जो जल को जीवाणु मुक्त करने में तो क्लोरीन हो जाएगी और विद्युत लेपन में किसका प्रयोग करते हैं जिंक का प्रयोग करते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा पहले का तीसरा दूसरे का डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है डी आंसर आपका सही हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन ठीक है थर्टीन नंबर इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बहुत बार इसलिए लगा लो उसको ठीक है क्या हो जाएगा आघात वर्धनीयता मेलियेबल कौन सा है मेल्टिंग पॉइंट किसका बहुत ज्यादा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट कौन सा है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कौन सा है हाई कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका ज्यादा है जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन का क्या आंसर हो जाएगा मेलिएबल कौन सा है मेलिएबल वो होता है जिसका प्रयोग हम लोग फूड आइटम्स को रैप करने के लिए करते हैं ठीक है हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है तो जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं हीटिंग एलिमेंट जो एप्लींसेज होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है होता होता है है कि नहीं 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 ऐसे ही बता बता रहे हैं 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 कौन होते होते जो बनते वो बहुत कुछ गड़बड़ दिए नहीं, नहीं, नहीं। तो इल, इलेक्ट्रोड ऑफ सेल ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट होते हैं और हाईकोफिशियंट ये कौन होते हैं मेकिंग थर्मामीटर थर्मामीटर क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर ही क्योंकि पारे का इस्तेमाल करते हैं ना तो हाई कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं हीट वाले चैप्टर में पढ़ते हो समझ में आया कि नहीं समझ में आया करेक्ट आंसर कौन सा हो गया करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला आंसर ठीक है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हिंदी में दिखा दे लो हिंदी में देख लो अघात का प्रयोग हम लोग भोज्य पदार्थ को लपेटने में उच्च गलनांक किसका होता है साद... जो तंतु होते हैं प्रबल कौन होते हैं सेतु होते हैं, कौन होते हैं? के रूप में करते हैं तो कौन सा वाला हो गया? सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन नंबर ये सब सीटेट के लिए को ही ऑनलाइन वाले क्वेश्चन है शौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया है पैदल चलते समय एकाएक उसकी हाथ में हाथ पहाड़ी की अनुदिश पाइप पाइप में लग गया ठीक है उसे डंक उसने डंक लगने का अनुभव किया कि उसको कोई काट गया है ठीक है और उसके हाथ में खुजली होने लगी है तंतु तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी पौधे से एक पत्ती ली उसको मसला और फिर उसके हाथ पे रगड़ दिया बताना है डंक की प्रकृति क्या है और पत्ती के रस की प्रकृति क्या है आप जानते हो कि कोई भी चीज काटता है तो उसके डंक में कोई ना कोई उपस्थित होता है और अम्ल को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं का करते हैं। इसका मतलब डंक तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर है इसलिए लाने पड़े क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है निहित पदार्थों में निम्न पहलुओं को देखिए ठीक है निम्न पहलुओं को देखिए सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या सभी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या या सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान उपरोक्त में क्या रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है एक समान क्या हो जाएगा पहले और बाद में क्या समान रहता है भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है पदार्थ के अड़ुओं की संख्या बदलती है कि रहती है वो भी बदल जाती है लेकिन कितने परमाणु हैं कितने एटम हैं ये हमेशा ही सेम रहते हैं इसके अलावा उनके द्रव्यमान के मान भी हमेशा सेम सेम रहते हैं तो कौन सा हो जाएगा सी और डी वाला ऑप्शन ठीक है सी और डी वाला आंसर हो जाएगा हाँ चीटी बढ़िया आकृति ये वाला समझ में आया ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सी वाला ऑप्शन कैसे हो गया ठीक है सी वाला आंसर कैसे हुआ समझ में आया ए नहीं होगा महिमा सी वाला होगा अगला क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो एक गैस उत्पन्न होती है इस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है आपको पता होगा कि जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और यह किसके साथ में जलती है क्या यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है? है? इसकी गंध तीखी होती है? या पॉप की ध्वनि के साथ जलती है या अमोनिया के विलयन के साथ घना श्वेत धुआं देती है बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्या होगा करेक्ट आंसर ये बताओ तो ये पॉप की ध्वनि के साथ में जलती है ठीक है हाइड्रोजन गैस है जो कि पॉप की, की ध्वनि के साथ में जलती है चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न कह रहा है टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी सेवनटीन देखो ईंधन से ही क्वेश्चन फिर से आगे आपको पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति ने खाना पकाने के लिए ईंधन के लिए एक्स खरीदा ठीक है ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए कौन सा गुड़ होना चाहिए आपको बताया ना ईंधन के लिए कौन सा गुड़ होना चाहिए सस्ता एवं निम्न ज्वलन ताप उच्च कैलोरी मान एवं निम्न ज्वलन ताप मध्यम कैलोरी मान एवं निरावशी मध्यम ज्वलन ताप एवं सस्ता निम्न कैलोरी मान तथा निरावशी निरावशी मतलब होता है नॉन टॉक्सिक बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का आंसर करना है निम्न ज्वलन ताप मैंने बताया ना ना तो निम्न ज्वलन ताप नहीं होना चाहिए ना तो उच्च ज्वलन जो ताप होना चाहिए मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए ठीक है निरावशी ठीक है मध्यम कैलोरी मान हो ठीक है ये भी चल जाएगा निम्न कैलोरी मान नहीं होना चाहिए मध्यम कैलोरी मान चलेगा नॉन टॉक्सिक चलेगा मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता हो तो बहुत ही अच्छी बात है डी वाला आंसर हो जाएगा मतलब सी और डी इस तरीके के ईंधन का प्रयोग करना चाहिए मेटल एंड एसिड गैस बहुत बढ़िया राधेश्याम ठीक डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा चलेंगे अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन पर चलेंगे ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एक चुटकी जल आसवन संयंत्र में डालने से क्या होता है एक चुटकी केमेनोफोर पोटेशियम पर मैगनेट पानी में के उबलने पर तापमान कम हो जाता है पानी का अब ये वाला क्वेश्चन केवीएस में पूछ सकता है क्योंकि भैया वाटर से ही तो रिलेटेड है ये कई उन्होंने ये थोड़ी लिख करके दिया है कि हम इस वाली बुक से नहीं पूछ सकते हैं आपके केवीएस में तो इसीलिए कह रहे पढ़ो जितने हो के के हो हो चाहे चाहे के फिर वो सीटेट वाले कम कम से कम तुम्हें क्वेश्चन तो सॉल्व करने को मिलेंगे एक चुटकी केमेनोफोर जल आसवन संयंत्र में डालने पर पानी के उबलने का तापमान कम हो जाता है पानी का पीएच ठीक पीछ हो जाता है कार्बनिक का अशुद्धियां दूर हो जाती हैं या फिर जल वाष्पों का संघनन हो जाता है तो कैमेनोफोर का हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरीन का भी प्रयोग हम लोग साफ करने के लिए पानी में करते हैं और और कैमेनोफोर का भी प्रयोग पानी में जो कार्बनिक का अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है ठीक है उनको दूर करने के लिए किया जाता है चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर एटीन सॉरी नाइनटीन एटीन कहाँ चला गया नाइनटीन क्वेश्चन नंबर सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है धातुओं के बारे में बताना है कौन सा सही हो जाएगा ये कठोर होती हैं ये पानी की तुलना में कम सघन होती है यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होती ये विद्दुत, विद्दुत चालन करती है कौन सा सही लिखा गया है बताएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जल्दी से थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे तो बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या हो जाएगा भाई ये विद्युत चालन करती है ठीक है मतलब इन इनमें फ्लो होती है विद्युत चालन करती है बाकी सॉलिड तो होती है लेकिन कुछ जो होती है ना सॉलिड नहीं होती है कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं, लेकिन ये क्या है विद्युत चालन करती है होती चाहे जैसी भी हो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे क्या होगा हाँ लाल दवा भी इसको कहा जाता है आकृति बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कहता है ये निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्र द्वारा प्रथक करन की विधि का अनुप्रयोग नहीं होता है अभी द्वारा करण की विधि का प्रयोग नहीं होता है ये बताना है कपड़े धोने के मशीन में गीले कपड़ों को पृथक करना दूध से मक्खन पृथक करना पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना प्रयोगशाला में निदान सूचक परीक्षणों में अभिकेंद्र द्वारा पृथक की विधि सेंट्रीफ्यूगेशन uh, एक होता है ना सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल ये फोर्स पढ़े होंगे आपने फिजिक्स में ये थोड़ा गलती से क्वेश्चन इधर आ गया है कोई बात नहीं लेकिन लेकिन आपने पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा नहीं करते हैं तो सी वाला आंसर हो जाएगा ठीक है सी वाला आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी ठीक है क्वेश्चन 21 पर देखेंगे ये क्या कहता है व्हाट चेंज विल व्यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एचसीएल इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एनओएच आर एडेड टू कुछ बूंदे एनओएच की डालने पर एक परख नली जिसमें एचसीएल है उसमें आप क्या परिवर्तन देखेंगे उसमें आप क्या परिवर्तन देखेंगे अगर एक परख नली है जिसमें एचसीएल है अम्ल है और अगर उसी में एनओएच डाल देते हैं तो उसका रंग बदल जाएगा तीक्ष्ण गंध आएगी गर्म हो जाएगी लाल कोई भूरा पदार्थ निक्षिप्त होगा क्या हो जाएगा बताएंगे एक तरीके से देखोगे तो आप कहीं ना कहीं अम्ल और छार आपस में क्रिया करवा रहे हो अम्ल और छार आपस में क्रिया करवा रहे हो क्या हो जाएगा वो गर्म हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी कहीं ना कहीं लवड़ बनेगा और जल बन जाएगा ठीक है और वो गर्म भी हो जाएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है रेफ्रिजरेटर में ए मुक्त होती है कौन सी गैस मुक्त होती है तथा एरोसोल का छिड़काव भी छिड़ता करता है बी सूर्य से आने वाली सी को रोकने के लिए भी उत्तरदायी है बताना है ए बी सी क्या है ए बी और सी क्या है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का बताना है क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेटरों से कौन सी गैस मुक्त होती है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होती है एरोसोल का छिड़काव ठीक है ओजोन को की छिड़ता करता है और ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदाई है ठीक है पराबैंगनी किरणों के लिए क्या हो जाएगा उत्तरदाई है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ वाला 22 में क्या हो जाएगा फोर्थ चले आगे आगे चलेंगे 23 नंबर

लाभदायक होता है अम्लीयता में लाभदायक होता है ठीक है अम्लीयता में सिर दर्द पेट में जलन बुखार में नहीं डी वाला आंसर सही हो जाएगा ठीक 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 है 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 डी दी वाला आंसर अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर देखेंगे बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं साथ में कोई गैस भी निकलती है बताना है कौन सी गैस है ये ठीक है नींबू अम्ल में अम्ल बेकिंग सोडा में और बेकिंग सोडा है ये सोडा अम्ल मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है अम्ल मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है ये बताओ जल्दी से पढ़ना हो तो बताओ एक घंटे और तो तो हम बात करेंगे क्योंकि दूसरे टीचर की क्लास होगी नहीं तो फिर छुट्टी कर देंगे बायो की क्लास नेक्स्ट डे ले लेंगे दो ऑप्शन है मेरे पास ठीक है कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ठीक है कार्बन डाइ बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सी वाला आंसर सही हो जाएगा अगला देखेंगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्तंभ अ दिया गया है स्तंभ बा दिया गया है बताना है सोडियम धातु को किस में रखते हैं फॉस्फोरस को किस में रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में रखते हैं पारा को किस में रखते हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फटाफट से आंसर आप सबको बताओ सभी बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सब जानते हो सोडियम धातु किसमें रखी जाती है सोडियम धातु को किसमें में 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 मिट्टी के तेल में रखते हैं खुले में नहीं रख सकते क्योंकि जल जाता है इसलिए जल में रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें रखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें रखते हैं प्लास्टिक की शीशी में प्लास्टिक की शीशी में और पारे को किसमें रखते हैं कांच की बोटल में ठीक है पांच कांच की बोटल में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला आंसर आपका सही है ठीक है कौन सा हो जाएगा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने पर उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ क्योंकि बी पूर्णतया सी तथा डी में टूट गया अब आपको बताना ए बी सी डी क्या है आपको पता है आपके पैर में दर्द किसकी वजह से होता है जब ठीक है ठीके? नहीं तो जब में जो, था, था? जो ग्लूकोज था वो किस में टूट गया लैक्टिक एसिड में टूट गया ठीक है लैक्टिक एसिड में टूट गया लेकिन जब आप अपने पैरों को पानी गर्म पानी में रखते हो तब तो उस अवस्था में क्या होता है लैक्टिक एसिड पुनः किसमें टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में टूट जाता है तो सी वाला आंसर इस तरीके से एबीसीडी क्या हो जाएगा मैम प्लीज आज ही अच्छा चलो ठीक है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक 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 जल्दी बताओ ठीक है सी वाला आंसर सही हो जाएगा सी वाला आंसर आपका सही होगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखेंगे पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा सही है कोक कोल तार कोल गैस बिटुमिन इनको बताने सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही कर चुके हो कोक का प्रयोग हम लोग स्टील के निर्माण में करते हैं कोल तार का प्रयोग हम लोग पेंट बनाने में इत्र बनाने में औषधि बनाने में विस्फोट विस्फोटक के रूप में प्रयोग करते हैं कोल गैस का प्रयोग हम लोग उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं और बिटुमिन का प्रयोग हम लोग सड़कों के निर्माण में करते हैं पता है कि नहीं पता है जल्दी बताओ सर पता है कि नहीं पता तो ए का फोर हो जाएगा ए का फोर तो और ए का एक ही मिलाने पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया ए वाला आंसर आपका सही हो गया ठीक है ए आंसर आपका पूरी तरीके से सही है समझ में आया कि नहीं समझ में आया एक बार जल्दी से बताओ ये इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है पेट्रोलियम के बारे में पेट्रोलियम के उत्पाद अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन से होते हैं कोल कोकता कोल तार विटोमिन ये सारे इसी में ही हो जाते हैं चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हाँ हाँ अरे क्या बताएं बहुत टाइम लग जाता है हिंदी और इंग्लिश करने में इसी वजह से हिंदी इजी पड़ जाती है हिंदी वाले बच्चे भी ज्यादा हैं प्लास्टिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करें प्लास्टिक के संदर्भ में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन <coughs> थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग। बैकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। या पॉलीथीन एंड पीवीसी आर इन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बता चुके हैं प्लास्टिक आपके दो प्रकार के होते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ हाँ ज्योति बस आप सॉल्व करते जाओ टॉपिक रिपीटेड ही मिलेंगे भैया रिवीजन क्लास है अब हम पीएचडी का सिलेबस थोड़ी लेकर के चले आएंगे प्लास्टिक में आपको पता होगा कौन सा सही है तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं इनको आप बार बार, बार जो है पुनः उपयोग कर सकते हो चेंज करके कुछ नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो इसलिए ये सही है लेकिन इन्होंने ले लिखा थर्मोसेटिंग कैन बी प्लास्टिक प्लास्टिक कैन बी सॉफ्ट नहीं ये बहुत कठोर होते और इनको एक बार सेट हो गए तो हो गए आगे बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है थर्मोसेटिंग का है ऐसे ही पीवीसी और पॉलीथीन थर्मोसेटिंग के नहीं थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हो जाते हैं आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ठीक है अभी है अपने पास टाइम आधे घंटे तो पूरे अपने ही है बाकी फिर देखो उधार मांगेंगे सामान्यता उपयोग होने वाले निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीयमान अधिकतम है सबसे ज्यादा मान वैसे तो हाइड्रोजन का होता है लेकिन इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा मान किसका है सबसे ज्यादा मान किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका हो जाएगा एलपीजी का हो जाएगा ठीक है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सबसे ज्यादा उष्मीय मान हो जाएगा अगला प्रश्न थर्टी ईंधन के उष्मीय मान को सामान्यतः दिए गए किस मात्रक में यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कौन से मात्रक में कौन से मात्रक में व्यक्त किया जाता है कैलोरी प्रति ग्राम किलो कैलोरी प्रति, प्रति किलोग्राम जूल या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर करना है क्या हो जाएगा ईंधन के उष्मीय मान को कौन से मात्रक से व्यक्त करते हैं ये पीएचडी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है अब बताओ हम पानी भी पी रहे हैं बीच में ठीक है क्या यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर पर किलोग्राम ठीक है ईंधन का उष्मीय कितना हो जाएगा ईंधन का मान हो जाएगा कि इतने टाइम उधर ले लेते हैं अच्छा चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर ठीक है किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा चलिए अगला आगे प्रश्न पढ़ेंगे आगे वाला थर्टी वन विच ऑफ दैट्रोजेनियस मिक्सचर ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण हेटरोजेनस कौन सा हो जाएगा होमोजेनस और हेटरोजेनस दो चीजें होती है ना होमोजेनस और हेटरोजेनस ठीक है इसमें कौन सा हो जाएगा आ, ये विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है तो आयोडीन युक्त नमक जो है आपका एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा जिसमें एक ही टाइप के

का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना पायरवेट का एल्कोहल में परिवर्तित होना या ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होना मैम क्या समझिए थर्टीन थोड़ा समझा अच्छा ठीक है रुक जाओ ये कह रहा है गुब्बारे में भरी वायु एक जब गुब्बारा होता है वायु भरी होती है तो क्या आप बता सकते हो इसमें नाइट्रोजन कौन सी हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीजन कौन सी है तो इस प्रकार से ये ये हाइड्रोजीन में नहीं आ जाएगा ब्रॉस पीतल पीतल किसका तांबा और जिंक का मिश्रण होता है ठीक है तांबा और जिंक का स्टेनलेस स्टील भी ठीक है लोहा क्रोमियम निकल कार्बन इनका मिश्रण होता है मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ऐसी आयोडीन युक्त नमक में एक मिनट रुको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है गुब्बारे में भरी वायु हो जाएगी थर्टी टू का नहीं ठीक है देखो आयोडीन युक्त नमक ये बोल रहा है ना गुब्बारे में नहीं ठीक है ठीक है देखो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो कुछ चीजें ही हैं मतलब जो भी एयर है आप बता नहीं सकते हो लेकिन आपको पता है कि कौन कौन सी गैस हो होंगी आयोडीन युक्त नमक में कुछ भी मिल जा रहा है इस वजह से डी वाला ही आंसर सही है ठीक है कंफ्यूज नहीं हो हो गए मतलब बोल देते हो तो हो जाते हैं डी वाला होगा इस पर डी वाला देखो गुब्बारे से भरी वायु में ऐसा हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी गैसें होती वो सब तो होंगी ही अच्छा हाँ तो हो सकता है कंफ्यूज होगा हम खुद ही इसमें इसमें देखो दो का मिश्रण हो जाएगा स्टेनलेस स्टील भी तो इसमें ना करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा अच्छा होगा बोल ए वाला आंसर हो जाएगा ठीक है स्वर्णिमा स्वर्णिमा एंड संगम ठीक है ए वाला आंसर इसमें करेक्ट कर लो क्योंकि ध्यान नहीं गया पीतल किसका किसका तांबा और जिंक का मिश्रण होता है

जो पैरुवेट होता है वो किस में बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारे में ठीक ठीक है ठीक है तो बी वाला आंसर इसमें हो जाएगा थर्टी टू में कौन सा वाला हो जाएगा बी वाला आंसर आपका सही है हाँ 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 बिल्कुल सही राधेश्याम तुमने ही जो है मेंशन किया चलो बायोलॉजी से क्वेश्चन करेंगे हाँ ठीक है गरीबा गुब्बारा ही होगा वो ए वाला answer. चलो अब आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे अभी अपने पास टाइम भी है बहुत सारा वो जल्दी में कभी कभी हो जाता है ना वो टेंशन में चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा देखो जीवाणुओं से क्वेश्चन है बैक्टीरिया से रिलेटेड जीवाणुओं के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है जीवाणुओं के बारे में कौन सा सही नहीं है कि शाकाहारियों में उपस्थित जीवाणु सेलुलोस के विघटन में सहायता करते हैं जीवाणु एंटीबायोटिक्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है या जीवाणुओं का प्रयोग जो है बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ के विघटन जीवाणुओं द्वारा होता है हाँ बताइए जल्दी से इस पे क्या हो जाएगा इस पर क्या हो होगा जल्दी से बताएंगे कौन सा सही नहीं है जीवाणुओं के लिए आपको पता होगा कि डबल रोटी और केक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है यीस्ट के द्वारा किया जाता है ठीक है के द्वारा किया जाता है तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा कौन सा सी वाला आंसर हो जाएगा ठीक है सही सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी आंसर आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स इज अ यूनिसेलुलर एक कोशिकीय कौन सा है आपको बताना है एक कोशिकीय कौन सा है एग एंड स्पर्म एग जाइगोट स्पर्म एम्ब्रियो जाइगोट एम्ब्रियो एक कोशिकीय कौन सा है ये बताओ जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक कोशिकीय है एक कोशिकी में आपका एक और स्प आ जाता है ठीक है बाकी जो होता है वो एक और एक, एक स्पर्म का ही जो है कॉम्बिनेशन होता है तो इस वजह से वो ये यूनिसेलुलर हो जाएंगे मल्टी सेलुलर इस पर मल्टी सेलुलर तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड क्वेश्चन देखेंगे मानवों में एक अंत श्रावी ग्रंथी है ए क्या है एक अंत श्रावी ग्रंथी है और बी और यह बी हार्मोन उत्पन्न करती है जिसकी कमी से सी रोग हो जाता है एबीसी क्या है चलो बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताएंगे हाँ मोशन वाला क्वेश्चन आएगा और इसको हम ना मंडे वाली क्लास में बताएंगे ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देखेंगे या क्लास या पूरी देखेंगे उसमें है कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन में या अभी डिस्कस ही कर लेंगे लास्ट में उसमें है कन्फ्यूजन एक उस क्वेश्चन में है और एक बायो का क्वेश्चन है उसको भी ऐड किया है ठीक है दो क्वेश्चन में उस दिन प्रॉब्लम थी हमें पता है याद है लिख देते हो आप सभी लोग कॉमेंट में अच्छा लगता है उसको देख करके ठीक है क्या हो जाएगा इसमें अंताश्रावी ग्रंथि कह सकते इसमें एक्सोक्राइन लिखा हुआ है इन ह्यूमन बींग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक मिश्र ग्रंथि है ठीक है है जानते हो एक तरीके की मिश्र ग्रंथि और वो बी हार्मोन उत्पन्न करती है जिसकी कमी से सी रोग हो जाता है तो पैनक्रियाज अग्निश आप सभी जानते हो एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसकी कमी से ठीक है जो कि कौन सा इंसुलिन हार्मोन को उत्पन्न करती है और इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है इसकी कमी से क्या हो जाता है डायबिटीज हो जाता है तो बी वाला आंसर आपका सही है, ठीक है वाला आंसर आपका सही हो अगला प्रश्न, रक्त ये बताना है आरबीसी डब्लू प्लेटलेट से रिलेटेड यह लौह तत्व होता है मतलब जो रक्त कोशिकाएं उनमें लौह तत्व है किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं कल कर दी चलो कौन सा मैम कल कर कल कर दीजिए प्लीज नौ जनवरी को एग्जाम है कल जो है मेरी क्लास ना मिल जाएगी लिंक दूसरे चैनल पे लगी है। रक्त श्राव क्रम करने के लिए थक्का बनाते हैं र, रक्त श्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं हाँ इसी वजह से उसको डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में ठीक है हमें याद है जो जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है ना उसको नेक्स्ट भी हम ताकि करने की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है ये क्या हो जाते हैं डब्लू बी सी हो जाते हैं और इनके कमी से रक्त श्राव कम करने के थक्का बनाते हैं थक्का कौन बनाते हैं प्लेटलेट्स बनाती हैं करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला आंसर ठीक है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी आंसर कल मत क्लास करवा भाई कल मेरी क्लास लगी हुई है सुनो कल क्लास लगी हुई है दस बजे से बारह बजे तक ईवीएस की पैडागोजी स्पेशल ठीक है ईवीएस की पैडागोजी स्पेशल नहीं हुई है ना तो कल दस से बारह जो है पैडागोजी स्पेशल क्लास लगी हुई है बाकी शाम को दूसरे उस पर क्लास लगी है, है साइंस की ही चाहो तो ज्वाइन कर लेना

ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है एबीसीडी क्रमशः क्या है भैया जिनका भी पेपर है जितनी वन शॉट करवाई हुई है जितना भी क्लास करवाया है सारे प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं आपको हम सारे प्रीवियस ईयर करवा चुके चलो अच्छा ठीक है हम एक बार बता देते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं है ना जो भी है ताकि दिक्कत ना हो क्या हो जाएगा इसमें इसमें क्या हो जाएगा ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए एक ही कमी एक ही आवश्यकता होती किसकी आयोडीन की आवश्यकता होती है ठीक है और इसकी कमी से बी रोग होता है गोइटर रोग हो जाता है जिसको घोंघा रोग कहा जाता है ये जनरली कहाँ पर कहाँ के क्षेत्रों में देखा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है और आपको पता है आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी से बोल दिए हो गई उनकी हाँ ठीक है आयोडीन की कमी से क्या हो जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन होता है मानसिक मंदता हो जाती है तो डी वाला आंसर सही जगह वैसे तो सर मान गए हैं आपकी हो जाएगी क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी हाँ हाँ वो भी है अभी आपकी ये क्लास जो है सात बजे तक कंटिन्यू करेंगे ठीक है सात बजे तक हो जाएगी बात कर ली है सर से ठीक है तो डी वाला आंसर बस लेकिन पढ़ोगे तब नहीं तो फिर कह देंगे सर आप ही ले लो क्लास पढ़ने वाले तो कोई है नहीं डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें आगे चलेंगे तो अब हम लास्ट में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे आकृति ठीक है अब अपने पास बहुत टाइम है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे पौधों का मादा जननांग एक्स कहलाता है इसके तीन भाग है जिसमें मुख्यतः वाई परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है जड में निषेचन होता है एक्स वाई जड क्या है सब होगा सब होगा चलो दिखाएं बहुत सारे क्वेश्चन है भाई बहुत क्वेश्चन है आज बस तुम करते जाओ इसके बाद में आपको ईवीएस मतलब नाम वो ईवीएस है, है के क्वेश्चन सब कुछ है इसी क्लास में करते जाओ आप आ, का मादा जननांग एक्स कहलाता है इसके तीन भाग हैं जिसमें मुख्यतः वाई कणों के लिए ग्रहणशील सतह है जेड में निषेचन होता है एक्स वाई जेड क्या है चलो बताओ हाँ हाँ है नहीं है छुट्टी हो गई इनकी हम ही करेंगे पता सात बजे संस्कृत है सात बजे संस्कृत पढ़ लेना सात बजे तक पढ़ाएंगे ना हमने तो ये कहा है चलो भैया क्या हो जाता है स्त्री के सर मतलब पिस्टिल स्टिग्मा और ओव्यूल्स ठीक है पिस्टिल ये देखो ये क्या होता है स्टिग्मा ये होता है स्टाइल और यहाँ पर क्या होता है Ovules होता है और जो स्टेमिन होता है उसमें ये क्या होते हैं है, है? है। तो भाग, है, भाग, है, भाग है याद रहेगा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है अभी एक क्वेश्चन आगे और मिलेगा ठीक है अभी एक क्वेश्चन आपको आगे और मिलेगा चलो क्वेश्चन नंबर सेवन निम्न सारणी में दी गई सूचना के आधार पर कोशिका के प्रकार की पहचान कीजिए मैम से बिल्कुल ये क्लास कर लो सच बता रही एकदम समझ के कर लो रटना नहीं है समझ के कर लोगे बहुत अच्छा पेपर कलर करके आओगे कोशिका के प्रकार की पहचान करेंगे मानव में पाया जाता है लेकिन लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है एक बड़ी रिक्तिका होती है कोई कोशिका भित्ति नहीं है सेम के आकार का है और युग्मों में पाया जाता है दोनों ओर से अनावृत नली में के समान है इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में देख लो बताना है कौन कौन सी सेल है ये कौन कौन सी सेल है आपको ये बताना है कौन कौन सी सेल है ये बताना है आपको तो कौन सी हो जाएंगी? कौन सी सी हो हो जाएंगी जाएंगी एक मानव में पाया केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है आरबीसी में ठीक है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है बाकी एक बड़ी रिक्तिका बड़ी वैक्यूल्स किसमें पाई जाती है तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिका में ठीक है प्याज की झिल्ली की कोशिका में बाकी किसमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है तो जो गाल कोशिका चीक सेल गाल कोशिका इनमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है कौन सी गार्ड सेल होती है और दोनों ओर से अनावृत नली के समान है तो वो क्या होती है आपकी जाइलम होती है ठीक है कौन सी कोशिका होती है जाइलम होती है कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी वाला आंसर ठीक है आरबीसी प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं गाल कोशिकाएं और द्वार क्या है द्वार कोशिका और जाइलम कोशिका ठीक चलें अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वेन्स यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है वेन के लिए ठीक है वेन के लिए शिरा के लिए कौन सा कथन सही है दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाती है इनकी भित्ति मोटी होती है आपको पता होगा कि वेन जो है पहली बात तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और इनकी जो वो होती है वॉल वो थिन होती है पतली होती है ठीक है पतली होती है इनमें में एक्सेप्शन आती है पल्मोनरी जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती है लंग से हट हट की तरफ लेकर के आती है बाकी ये क्या करती है हृदय की ओर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को लेकर के जाती है भिट्टी मोटी नहीं होती है इनमें वॉल्स भी पाए जाते हैं और ये रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, ये भी ठीक है त्वचा तो के नीचे पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए सी और डी है ना क्या होगा ए सी और डी बी वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें ठीक है कौन सा सही है ठीक है ठीक है बी वाला आंसर आपका सही है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर देखेंगे ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट वायरस विषाणु के बारे में कौन सा सही लिखा गया है विषाणु के बारे में दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन दियर ओन स्वतः प्रजनन कर सकते हैं दे डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर कोश संरचना ही नहीं होती है या दे हेल्प इन डिकेइंग डेड मैटर मृत पदार्थ के अवसय से बनाए जाते हैं आपको पता होगा जैव जगत में विषाणु तो आते ही नहीं है पानी लेकर के आते हैं क्योंकि पानी खाता है। कौन सा कथन सत्य है ये बताएंगे चलो बताओ इसे ठीक है क्या हो जाएगा इस पे स्वतः प्रजनन करते हैं क्या यह सही है ये गलत हो जाएगा इसमें क्रिस्टल के फॉर्म में जनरेट होते हैं पर कोशिकाओं में पोषण प्राप्त होता है संरचना नहीं होती है मृत पदार्थ के अच्छे से नहीं बी और सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक है सी वाला आंसर अगला देखो टेन निम्न में से एक जल जनित जीवाणु रोग कौन सा है फॉलोइंग डिजीज मलेरिया हैजा टाइफॉइड मलेरिया पी लिया टाइफॉइड और हैजा बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अच्छा ठीक है फिर नेहा लास्ट में बता एक बार ये क्वेश्चन कम्प्लीट कर लो फिर लास्ट में बताते हैं कि आपका जो है जो जो टॉपिक बोलोगे ना किसको शॉर्ट में बता दो तुरंत से बता देंगे ठीक है क्या हो जाएगा जल जनित तो कौन से हो जाएंगे टाइफाइड और हैजा ठीक है टाइफाइड और हैजा आपके जल जनित तो रोग हो जाएंगे अगला देखो निम्न में से कौन सा अनुकूलन अच्छा देखो यहां से क्वेश्चन कल आपका एक कंफ्यूज हुआ था मतलब दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो एक क्वेश्चन अब आप आपको मिलेगा जलीय पौधों की जल की सतह पर रहने में कौन सहायता करता है कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है पौधों के तनों में बड़े छिद्र का होना पत्तियों पर मोम की परत पीते जैसी परत या फिर पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र जल्दी से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन आपको पता होगा एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था लेकिन वो मरुस्थल से क्वेश्चन था तो अभी दोनों पौधों में जो रंध्र होते हैं पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं क्योंकि तो इनको जल पर तैरते रहने में मदद करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला जो कि कल शायद गड़बड़ हो गया था

ठीक है तो रेगिस्तानी पौधों में रंध्र जो है निचली सतह पर और गुदेदार तने पर उपस्थित होते हैं ये सतह पर लिख रहा है इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिख दिया है ठीक है गलत लिखा हुआ है कल जो गड़बड़ हो गया था इसका आंसर रीजन क्या होगा द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है ये वाला सही लिखा है इन्होंने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आर रीजन तो सही लिखा इन्होंने लेकिन एसरेशन इन्होंने गलत लिख दिया है मतलब कहने का ये है कि पत्तियों की सतह पर रंध्र किन देखने को मिलता है तो ये जलीय पौधों में देखने को मिलता है ठीक है रेगिस्तानी में पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र देखने को मिलते हैं ठीक है कंफर्म डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है डी वाला आंसर बाकी इसमें भी आपका मोमी परत होती है पत्तियों पर मोमी सतह। लेकिन जल पर तैरते रहने में कौन मदद करता है कौन सी तो पत्ती की ऊपरी सतह पर जो रंध्र पाए जाते हैं ठीक है चलेंगे अगले प्रश्न पर दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है खुद ही देखोगे तो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है वसा में घुलनशील कौन सा हो जाएगा विटामिन बी और सी विटामिन ए और बी विटामिन ए ई e, या विटामिन ए और सी बताएंगे क्या हो जाएगा बाकी आप जानते हो मोमी सतह होती है ठीक है क्या होगा इसका आंसर जब वसा में जल में घुलनशील जानते हो बी और सी और वसा में घुलनशील कौन सी होती है कीड़ा करके तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस पर ठीक है सी वाला आंसर वीडियो एक वीडियो आया तो है पठान आप उसको जा करके देख लो पठान वही वीडियो जा करके देख लो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स पौधों में वाष्पोत सर्जन की सही प्रकार से व्याख्या कौन करता है यह पौधों को ठंडा करने में मदद करते हैं ठीक है यह जल और खनिजों के अवशोषण तथा आवंटन में सहायता करते हैं ठीक है थीके? या, फिर या पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे तो सर्जन तो ठंडा करने में, में मदद करते हैं जल एवं खनिजों में अवशोषण में, में मदद करते हैं गैसों के विनिमय में, में मदद करते हैं तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा ठीक है डी आंसर आपका सही हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर चलेंगे ये क्या कहता है कि वेल है ये केल नहीं है वेल शार्क डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही से प्रकार से वर्णन करता है श्वसन तंत्र का सही प्रकार वर्णन कौन करेगा ये सभी क्लोम द्वारा सांस, सांस लेते हैं वेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेते हैं चार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं या वेल और डॉल्फिन लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं कौन सा सही लिखा गया है श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन कौन करता है श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन कौन करता है कि जो वेल और डॉल्फिन होती है ना वेल और जो डॉल्फिन होती है ये लंग्स का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए ठीक है ये लंग्स का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा नंबर नहीं है भाई तेरा नंबर रॉन्ग है तेरा नंबर कैसे रॉन्ग है भीम सिंह यही तो होता डब्लू बी सी वॉटर में मतलब ये सी वाला ऑप्शन है कुछ और तो नहीं समझ लियो सी वाला ही है सही है भीम सही है बाकी और कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो बता ना डी वाला इसका हो जाएगा आगे देखेंगे अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मानव उत्सर्जन तंत्र के में अपशिष्ट के निष्काशन के लिए सही चरणों का क्रम का चुनाव करें सही सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर किडनी यूरेटर या फिर यूरेथरा सीक्वेंस बताना किडनी यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर यूरेथरा किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथरा या यूरिनरी ब्लैडर किडनी यूरेथ्रा यूरेटर्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का तो सबसे पहले क्या होती है किडनी किडनी से फिर यूरेटर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथरा कनेक्ट होता है होता है कि नहीं होता है होता है कि नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर का कौन सा हो जाएगा सी वाला आंसर आंसर सही सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, जाएगा। ठीक है? सी आपका अगला क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन सेवनटीन कॉलम एक को कॉलम दो से मैच कराओ कॉलम एक को कॉलम दो से मैच कराना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और प्लांट दिए गए हैं कटिंग किस में होती है किस किसमें होती है स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है और बडिंग किसमें होती है सीधा सीधा सा बता दोगे क्या होता है कटिंग रोज में होती है गुलाब में क्या होती है कटिंग होती है और उसको लेने के बाद में लगा करके नया पौधा उगाया जा सकता है स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है तो ये फर्न में होता है ठीक है स्पोर फॉर्मेशन फर्न में होता है और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है तो ये स्पाइरो में होता है और बडिंग की बात करेंगे तो किसमें होता है बडिंग होती है ईस्ट में ठीक है, बडिंग किसमें होती है में। तो पहला ही वाला अगर आपको पता है कि ए का फर्स्ट है तो करेक्ट आंसर आप दे दोगे कि B वाला ठीक है, आप बी दे दोगे तुरंत से ही, क्योंकि कटिंग किसमें रोज में होती है अगला क्वेश्चन नंबर एटीन ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ प्रोसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बिंगस ठीक है सभी लिविंग बींग के लिए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं मानी जाती है इजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन कौन कौन सी कौन सा अभिलक्षण जीवधारियों का अनिवार्य नहीं माना जाता जीवधारियों का सभी का तो मल त्यागना इजेशन सभी का अनिवार्य लक्षण नहीं माना जाता है ठीक है इजेशन सभी का अनिवार्य लक्षण नहीं है अगला क्वेश्चन नंबर नाइनटीन 19 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है भोजन पकाते लास्ट में बताएंगे भैया भोजन पकाते समय कौन सा जो है आसानी से नष्ट विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन ए विटामिन बी फोर या विटामिन सी आसानी से खाना तुरंत से पकाते हो थोड़ा सा भी हिट मिलता है तो कौन सा विटामिन सी नष्ट हो जाता है ठीक है कौन सा विटामिन सी नष्ट हो जाता है ठीक है विटामिन सी नष्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्नलिखित में से किसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है वाष्पोत्सर्जन की दर में ट्रांसपिरेशन में को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं पत्तियों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके वृक्ष की ऊंचाई को बढ़ा करके या हवा के वेग में वृद्धि करके कैसे हम बढ़ा सकते हैं ये बताना है ए और बी ए सी बी सी ए बी सी वाष्पोत्सर्जन की दर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं भैया बता तो रहे हैं नेहा क्या क्या क्या, क्या रुको हम देख नहीं पाए फिर से लिखना चाह रहा कमेंट अपना पत्तियों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा ऊंचाई पर नहीं बात होती है हवा के वेग में भी वृद्धि होगी तो भी हम ट्रांसपिरेशन को वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा सकते हैं बी वाला आंसर मतलब ए और सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा केमिकल चेंज और दर्पण ठीक है लास्ट में बताते हैं ठीक है लास्ट में बताते हैं एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसे स्ट्रेस ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है आकृति ठीक है, है आगे ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ये भी अच्छा क्वेश्चन है नीचे दिए गए अनुकूलताओं के आधार पर पौधों को पहचानिए अनुकूलताओं के आधार पर तनों और पत्तियों पर मोमी परत किसमें देखने को मिलती है नुकीली कटीली पत्तियां और शीघ्रता से झड़ती है उंगली जैसी पत्तियां पाई जाती है तनों में छिद्र या तनों में खोखलापन किसमें देखने को मिलता है तनों में खोखलापन किसमें देखने को मिलता है ये बताना है अनुकूलताओं के आधार पर पौधों को पहचानने तनों और पत्तियों पर मोमी परत किसमें देखने को मिलती है तो कैक्टस में ठीक है मोमी परत किसकी होती है कैक्टस की होती है नुकीली पत्तियां और शीघ्रता से झड़ती हैं किसकी की कौन से पौधे की कोनीफर की उंगली जैसी पत्तियां किसकी होती हैं उंगली जैसी पत्तियां हाइड्रिला की होती हैं और तनों में छिद्र किसमें देखने को मिलता है तो कमल में देखने को मिलता है ठीक है में देखने को मिलता है कमल में देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा बी वाला आंसर ये इनसे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है तनों और पत्तियों पर मोमी परत कैक्टस में देखने को मिलता है नुकीली थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते नहीं तो एक घंटे में खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा ये चालीस क्वेश्चन है बायो के आगे देखेंगे विटामिन ए किसमें जरूरी है विटामिन सी जरूरी किस विटामिन डी और विटामिन बी बताएंगे जल्दी से इंग्लिश वाला शो कर रही है प्लीज चलो इस, इसका चलो इंग्लिश वाला देख लो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 विटामिन किसकी जरूरी हो जाएगा विटामिन ए किसमें जरूरी हो जाएगा विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है कौन सा हो जाता है रतौंधी विटामिन सी की कमी से विटामिन सी हमारी बॉडी को फाइट और डिजीज से बचाता है विटामिन डी

सी वाला आंसर ठीक है करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी आंसर आगे देखेंगे ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखेंगे ये क्या होगा कैक्टस के मिके रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप कैसे परिवर्तित करते कैक्टस ने अपने आप को रेगिस्तानी परिस्थिति में जीवित रखने के लिए पत्तियां कांटों के रूप में हो गई तना रसदार तथा पत्ती का कार्य करता है तने पर मोटी मोमी परत होती है जड़े सतह के समीप होती हैं। कौन सा समूह सही है तो भाई कांटे में बदल गई ये भी ठीक है स्टेम सकुलेंट हो गए, तना रसदार हो गया तथा तना भी पत्ती का कार्य करने लगा मतलब तने से भी फोटोसिंथेसिस होने लगा ये भी ठीक है तने पर मोटी परत यह भी ठीक है ठीक है ये भी ठीक है लेकिन जड़े सतह के समीप हो गई ये कुछ ठीक नहीं लग रही है तो ए बी सी वाला आंसर सही हो जाएगा ए बी सी वाला आंसर आपका सही होगा अगला प्रश्न क्वेश्चन ट्वेंटी फोर कितने बड़े बड़े है जी। में बतानी है, में, मैच कराना है किसका किसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर की क्लास आज नहीं होगी हमने सर से ले ली है उधार ठीक है बॉलिंग और क्रिकेट बॉल अब आप बॉल को जब फेंकते हो तो फिर क्या होता है बॉल को फेंकते हो तो क्या होता है कौन सा ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है एक यहां पर हमारा कैलविन और हमारा यहां पर जो हड्डी होती है आपस में जुड़ती है यहां पर कौन सा ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है टर्निंग द हेड इन लेफ्ट एंड राइट ये कौन सा हो जाएगा हम अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट भी जब हम घुमा सकते हैं ये किस प्रकार का जॉइंट होता है पाइवोटल जॉइंट होता है जो मूवमेंट फिक्स्ड होते हैं ना ये कौन सा जॉइंट होता है ये आपका नहीं एल्बो मूवमेंट एक ही तरफ जो है एक ही तरफ जो है कौन घूम सकता है तो वो हिंज जॉइंट है और अपर जो मूवमेंट कैसा होता है फिक्स्ड होता है ये क्योंकि घूम नहीं सकता है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला आंसर सही है ठीक है करेक्ट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा हिंदी वाले भी ये क्या रुको 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 करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला आंसर देखो क्रिकेट की गेंद फेंकेंगे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिर को बाई और दाई दिशा में घुमाना पाइवोटल जॉइंट कोहनी की गति हिंज जॉइंट और अपना जबड़ा जो है वो फिक्स्ड ज्वाइंट होता है फैक्ट्स डिटेल में करवा चुके हैं अपने ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के होते हैं ठीक है सात बजे के बाद कोई क्लास नहीं होगी तुम्हारा क्रिकेट आएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक व्यक्ति ने रुद्ध रुद्ध विकास चेहरे पर सूजन बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखती हैं यह किस कमी के कारण होता है चेहरे पर सूजन वगैरह किसके कारण होता है ये बताना है चेहरे पर सूजन रुद्ध विकास तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है ठीक है किसकी कमी के कारण होता है बालों का बदरंग होना त्वचा तो अच्छा की बीमारियां ये सब किसके कारण होती हैं तो ये सब होती है प्रोटीन की कमी के कारण अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मैच प्लांट्स कॉलम ए विद कॉलम बी एलगी फंजाई डहलिया कैक्टस बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे किसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है एलगी में कैसा होता है अफंजाई में कैसा होता है अरे बच्चे कुछ कैक्टस का बता दो ना कैक्टस में क्या होता है डिटेचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एक हिस्से को काट करके दूसरी जगह पर लगा देते हो ठीक है तो क्या हो जाएगा डी का थर्ड अगर देखें तो सीधा सीधा आप यहीं से मैच करा सकते हो लेकिन आपको बता देते हैं कि डहलिया में कैसा होता है रूट के थ्रू होता है ठीक है डहलिया में कैसा होता है रूट के थ्रू होता है एलगी में फ्रेगमेंटेशन होता है और फंजाई में क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल गया ठीक है डी आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल गया आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 26, क्यों देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो विषाणु द्वारा होते हैं विषाणु जनित रोग कौन से हैं इसमें लिखे गए हैं विषाणु जनित रोग ट्यूबरकोलोसिस मीजल्स कोलेरा पोलियोटिस कोलेरा टाइफ हेपेटाइटिस ए और या फिर मीजल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का आंसर करना है

दो तीन दिन पहले ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया था दो तीन दिन पहले ही ये क्वेश्चन करवाया है उस पर देखना ठीक है पूरा ज्वाइंट एक्सप्लेन किया था दो दिन पहले शायद या तीन दिन मंडे को मंडे को शायद देख लेना एक बार से बताएंगे क्या हो जाएगा पता है क्या ये सब ना डिटेल में बता चुके हैं तभी तो हम फिर डिटेल नहीं बताते हैं

कोशिका के नाभिक का सॉरी केंद्र का कौन सा गुण नहीं होता है कोशिका का कौन सा गुण नहीं होता है किसका बता रही स्वर्णिमा सही तो है सही है बी वाला ही सही है आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं होता है कोशिकाओं को आकार एवं सुधरता प्रदान करते हैं क्या जीन के रूप में जनक से संतति एक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना टू एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आप सभी को पता है कि सेल मेंब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को एक स्ट्रक्चर देती है न्यूक्लियस नहीं देता है ठीक है न्यूक्लियस नहीं देता है तो कौन सा वाला सही हो जाएगा कौन सा वाला सही हो जाएगा अच्छा इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन अलग अलग हैं, पता नहीं देख लेना एक बार एक बार देख लेना हो सकता है बाकी इससे मैच देख लेना अपने हिसाब से ठीक है कभी कभी हो जाता है चलो किस विटामिन की कमी से भोजन में कैल्शियम कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है यह क्वेश्चन एक दिन जो है क्या हो गया था ज, जल्दी जल्दी में गलत हो गया था किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है विटामिन डी विटामिन सी विटामिन बी या फिर विटामिन के तो विटामिन डी से ठीक है विटामिन डी से जो है कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है इतने सारे क्वेश्चन आते हैं देखो दूसरा ऑप्शन बता दूसरा दो कभी कभी हो जाता है इसलिए ध्यान आप लोग भी दिया करो ठीक है है कौन से 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 किसकी कमी कमी भोजन भोजन से कैल्शियम अवशोषण की की दर कम हो जाती तो विटामिन डी याद रखिएगा इसको ध्यान से दो बार करवा चुके हैं ताकि जिन्होंने गलत सीख लिया हो वो सही कर लें अपना ये क्वेश्चन तो भाई बहुत रिपीट होता है टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीजन आयोडीन या फिर खनिज बताएंगे बहुत बार क्वेश्चन आया है तो उस जल में पर्याप्त मात्रा में किसकी उपस्थिति जरूरी है आयोडीन की जरूरी है किसकी उपस्थिति जरूरी है किसकी उपस्थिति जरूरी है आयोडीन की उपस्थिति जरूरी है अगला प्रश्न भैया फिर से आ गई इतने बड़े क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखेंगे और इनको मैच करवाएंगे लिवर स्टोमेटा सॉरी स्टमक ब्लैडर, ये है. ये है. ये है है क्वेश्चन क्वेश्चन है इसको ध्यान से कर लो और जितने लोग अभी तक पढ़ रहे हैं ना बहुत अच्छी बात है बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार पढ़ रहे जैसे आकृति हो गई अपना टाइम सपना हो गई गूगल गर्ल हो गई ठीक है ये तीन लोग तो हमें पठान होगा ये भी शुरुआत से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो। है कर क्या, हो जाएगा? लीवर क्या हो जाएगा लीवर क्या करता है लीवर हमारे बॉडी की या फिर सबसे बड़ी ऑर्गन होती है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है लीवर होती है आमाशय की बात करेंगे तो हमारे आमाशय में किसका पाचन होता है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है इसी प्रकार गैल ब्लैडर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है बाइल जूस को बनाता कौन है लीवर लेकिन उसे स्टोर कौन करता है तो गैल ब्लैडर करता है ऐसे ही जो पैनक्रियाज होता है वो क्षुद्रांत्र में पाचक रस को मुक्त करता है छोटी आंत में पाचक रस को मुक्त करता है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला आंसर ठीक है बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अरे बहुत सारे लोग अब आधे लोग इसमें पता है क्या कहेंगे मेरा नाम तो लिया ही नहीं अब ये लोग जो है ना डेली क्लास में रहते हैं तो इनका नाम ना पूरी तरीके से दूर भी रहते हैं ना मतलब दूर से भी दिख जाते हैं अच्छा ये तो वही है इस वजह से इनके नाम याद हो गए बाकी बहुत सारे लोग हो धन्यवाद आप सब हमारे साथ पढ़ रहे हो ठीक है तो बहुत अच्छी बात है ये चलेंगे आगे की तरफ ठीक है आगे की तरफ चलेंगे बी वाला आंसर इसका सही हो गया अगले प्रश्न पर मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है मधुमेह किस हॉर्मोन के द्वारा एड्रेनिन इंसुलिन थामोक्सिन या फिर थायरोक्सिन? ये बहुत इजी क्वेश्चन है मधुमेह से संबंधित है आप जानते हो आप जानते हो कि आपके जो अग्निशय होता है पैनक्रियाज होता है कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन और जो कि मधुमेह रोग को नियंत्रित भी करता है बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है बी वाला ऑप्शन अगला 34 34 मैग्नीशिया हाइड्रो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एमजीओएच का होल है जिसका उपयोग किसके रूप में करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक कारक के रूप में एंटी एसिड प्रति अम्ल के रूप में फर्मेंटेशन एजेंट किडवन कारक के रूप में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसके रूप में किया जाता है अच्छा ठीक है ठीक है चलो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर थर्टी फोर नंबर बताएंगे कौन सा ये प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक है एंटी एसिड के रूप में अगला माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से तो राइबोसोम का संबंध किससे होगा वसा प्रोटीन विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट तो राइबोसोम का संबंध किससे हो जाएगा प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को ठीक है क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी आंसर आपका सही हो जाएगा अगला ये भी क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये ऑफलाइन वाले जब एग्जाम हुआ करते थे ना तब के क्वेश्चन है यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है दही चीनी साधारण नमक या फिर एल्कोहल किसके लिए करते हैं यीस्ट का उपयोग तो उपयोग आप सबको पता होगा एल्कोहल के निर्माण में ठीक है यीस्ट का उपयोग किसके लिए करते है एल्कोहल के निर्माण में यीस्ट का उपयोग किया जाता है इसी प्रकार आप सबको अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन दो तीन बार पूछा गया है मादा भाग को बताता है स्टिग्मा ओवरी स्टेमिन स्टिग्मा ओवरी स्टाइल स्टेमिन ओवरी स्टाइल या स्टेमिन पेटल्स एंड सेपल्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आंसर करेंगे अच्छा एक चीज और बता देते हैं अभी मंडे से क्वेश्चन बंद नहीं होंगे साइंस अभी आपको और पढ़ाई जाएगी ठीक है अभी और भी पेपर है आपको चीजें बहुत ज्यादा आ जाएंगी अभी मंडे से दस बजे जो क्लास चलती है ना वो करेंगे ये नौ तारीख वाले जिनका भी पेपर है ये कंप्लीट रिवीजन है ये ठीक है बाकी अब हमने सोच लिया है कि एक एक क्लास करके लाएंगे एक दिन बायो अब हम कुछ दिन बायो के क्वेश्चन ज्यादा करवा देंगे ठीक है बायो बायोग पूछी भी जाती है अच्छी खासी चलो तो इसमें क्या हो जाएगा देखो जहां जहां पर स्टेमिन दिख रहे हैं आपको तो ये पुंकेसर तो होते नहीं है स्त्री केसर में स्टिग्मा ओवरी और स्टाइल हो जाएंगे बी वाला आंसर आपका सही है ठीक है बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन थर्टी एट नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में जंतु कोशिका का संदर्भ पदों में संयोजन है एनिमल एनिमल सेल में कौन से पाए जाते हैं एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्लास्टिड सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल न्यूक्लियस क्रोमोसोम ये कौन सा राइबोसोम राइबोसोम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन दिस 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 अब देखो जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं सीधा सीधा आपको पता होगा हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं पाया जाता है ठीक है इनमें नहीं पाया जाता ऐसे ही ऐसे ही इनमें सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है इनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती तो जहां जहां ये ऑप्शन दिख रहे हैं काट दो तो जंतु कोशिका में कौन कौन हो गया सेल मेम्रेन हो गए क्रोमोसोम हो गए राइबोसोम हो गए और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया करेक्ट है कोई बात नहीं डेली दे, हो गए दारू का दारू तुम्हें कहां दिख रहा है ठीक है सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है बताओ जल्दी से चले फिर आगे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसी से संबंधित नीचे दिए गए कुछ गुणों में से कौन से युग्म अनुवांशिकता से संबंधित है अनुवांशिकता से क्रोमोजोम सेलवोल एंड वॉल है मेम्ब्रेन एंड वॉल सेल, सेल, सेल क्लोरोप्लास्ट आपके अनुवांशिकता से कौन से संबंधित है अनुवांशिकता से कौन से संबंधित हो जाएंगे तो ये क्रोमोजोम और जीन ठीक है आपके अनुवांशिकता से संबंधित तो हो जाते हैं ए आंसर सही बाकी भैया पूरे बड़े बड़े से चैप्टर हैं जो डेली क्लास होती है ना 10 से 11 बजे तक डेली एक पेपर करवाया जाता है और उसको बढ़िया से एक्सप्लेन भी किया जाता है ठीक है तो आप उसमें डेली आओ क्वेश्चन नंबर 40 इन द एलिमेंट्री कैनाल द सॉलिड फूड मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं फूड वाले चैप्टर में और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ाया है उसमें सब कुछ बताया हुआ है आहार नाल में निगला हुआ भोजन नीचे की ओर कौन सी गति करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप ग्रास नली की भित्ति की पेशीय संकुचन करती है फ्लू फ्लूड मटेरियल टेकन विद द फूड भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रभावित होता है ग्रेविटेशनल पुल गुरुत्वीय बल लगता है फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग ह्रष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे आहार नाल में निगला याद रखिएगा जो भोजन जाता है ना वो जाता है आराम आराम से जैसे केचुआ नहीं चलता आगे तो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ठीक है क्रमानुकुंचन की गति होती है जब भोजन हमारा नीचे की तरफ जाता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये सही अलग अलग करके करो बढ़िया है रंजना हाँ ए वाला आंसर आपका इसमें सही हो जाए क्या कर लेते हैं बीच बीच में हम ठीक है ए वाला आंसर अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्या हो जाएगा भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा हो जाएगा सही क्रम कौन सा होगा डाइजेशन एसिमिलेशन इजेशन ठीक है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्न एसिमिलेशन इजेशन ठीक बताना जरा रहा है इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण निष्काशन ये तो बहुत बार मैंने बताया है ठीक है ये तो बहुत बार बताया हुआ है क्या होता है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बेशन एसिमिलेशन और इजेशन ठीक तो बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से ठीक है लीवर से पित्त यकृत पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है बताएंगे 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 क्या हो जाएगा आहार नाल का द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर इट इन गैल ब्लैडर क्या हो जाएगा कौन सा भाग है ये स्टमक है ईसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर पेनक्रियाज तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा ठीक है कौन सा वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन सी वाला पार्ट एक क्वेश्चन और फोर्टी थ्री ठीक है फोर्टी थ्री बताना है निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों में से उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं अभी तो बहुत है आधे घंटे हैं लेकिन बहुत, लेकिन बहुत खत्म कर देंगे सात बजे खत्म कर देंगे पाचन तंत्र के भागों में सही समुच्चय कौन सा हो जाएगा जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बताएंगे भैया टाइम खत्म हो रहा है क्या हो जाएगा आपको पता होगा जो ग्रसिका होती है जो नाल होती है ये वाली ये नहीं करती है लार्ज इंटेस्टाइन पाचन का काम नहीं करते हैं और रेक्टम पाचन का काम नहीं करते हैं तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया इसमें Uh, क्या लेकर लार्ज बकल कैविटी तो करती है ना पाचन आपका मुख गुहा से ही शुरू होता है तो ये वाला इसमें सही लिखा गया, ये वाला इसमें सही लिखा गया है, है। तो ये पाचन का काम नहीं करते हैं अगला क्वेश्चन फोर्टी फोर क्वेश्चन फोर्टी फोर देखेंगे मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों में सही क्रम का चयन करेंगे सही क्रम का चयन करेंगे आहार नाल ठीक है क्या हो जाएगा माउथ ठीक है, है तो मुंह मुंह खाना मुंह में जाता है फिर ईसोफेगस में जाता है फिर हमारे पेट में जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा तो भैया देखो बायो भी कंप्लीट हो गई है ठीक है बायो भी कंप्लीट हो गई है आपकी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन आपके ईवीएस से मिलेंगे ये 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 ईवीएस मत समझ लेना है 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 आपकी साइंस ठीक जो कि आपके डेली पे, का पेपर ही है ये भी कुछ अलग नहीं है लेकिन मैंने बताया ना कि तीन चार पार्ट में डिवाइड होती है साइंस आपकी तो वो सारी चीजें दिखाएंगे और इसका पहला क्वेश्चन से आपको मिलवाएंगे पहला क्वेश्चन विच ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा कथन सही नहीं लिखा गया है आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं लिखा गया है सोयल इरोजन कॉजेज डिजर्टिफिकेशन मृदा प्रदन के कारण मरुस्थलीकरण होता है डिफोरेस्टेशन लोअर्स द ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है वनोन्मूलन वनों के काटे जाने के कारण भूमि जल का स्तर गिरता जाता है ठीक है और ओवरग्रेजिंग कॉजेज डिफोरेस्टेशन मवेशियों की अत्यधिक चराई के कारण वनोन्मूलन होता है या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेज डिफोरेस्टेशन जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है गुड इवनिंग अंश रॉय बहुत जल्दी आप आ गए हैं चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करो कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं लग रहा है आपको मृदा प्रदन के कारण मरुस्थलीकरण होता है नहीं ये तो मतलब सही लिखे गए हैं वनोन्मूलन वनों के बिल्कुल ये भी सही लिखा गया मनुवमम वष्यों के अत्यधिक चराई के कारण वनोन्मूलन ये भी ठीक-ठीक लिखे हैं जैव विविधता की क्षति के कारण नहीं ये गलत लिख दिया इन्होंने ठीक है ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं लिखा है कि जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है जैव विविधता क्या होती है हर एक तरीके का जैव विविधता क्षति होगी तो वन uh, में भी जल में भी दुनिया हर एक चीज में जो है कमी होगी सिर्फ वनोन्मूलन नहीं होता है तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा अगला क्वेश्चन नंबर टू से सा आपके साइंस के ऑनलाइन एग्जाम वाले ही क्वेश्चन है संकटापन्न प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है ठीक है दूसरा कह रहा है सभी विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज संकटापन्न हो जाती हैं अगला कह रहा है

ठीक है कोई दिक्कत नहीं शांति से पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है अगर आप शांति से पढ़ते हो कंसंट्रेशन बनता है ऐसे बलाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो संकटापन्न प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है ठीक है भाई संकटापन है तभी तो विलुप्त होने का खतरा होता है सभी विशेष क्षेत्रीय संकटापन विशेष क्षेत्रीय मतलब स्थानिक जो है संकटापन्न थोड़ी होती है संकटापन्न का विलुप्त होने का खतरा है लेकिन जितनी अप, अपनी जगह पर रहती है क्या वो संकटापन नहीं है ये इन्होंने गलत लिख दिया है ठीक है ये गलत स्टेटमेंट है हाँ हाँ ठीक है सोनीमा तो थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने बाकी कुछ भी नहीं है ये केवीएस वाले भी पढ़ सकते हैं उनके क्षेत्र में नई के लाए जाने से विशेष क्षेत्रीय विलुप्त होने का भय हो सकता है ये है ये ठीक हॉट स्पॉट में कई विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज आते हैं तो ये भी इन्होंने ठीक लिखा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए सी डी वाला हो जाएगा ठीक है ये पेपर ही है मतलब क्वेश्चन जो है हमने अलग अलग किए हुए हैं है आपके पेपर ही ठीक डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से स्थान में सबसे कम वायुमंडली दबाव होने की संभावना है ठीक है, सबसे कम मुंबई नागपुर जयपुर या फिर मनाली सबसे कम वायुमंडलीय दबाव होने की संभावना कहां पर है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है जो कि मनाली है डी वाला आंसर आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर फोर ये कुछ ज्यादा ही बड़े हैं क्वेश्चन नंबर फोर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और चुनिए कथन दिया है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है ठीक है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है गलत चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करती है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है बताना है कौन सा सही लिखा गया है कौन सा गलत लिखा गया है बताएंगे कौन से सही है कौन से गलत है क्वेश्चन नंबर फोर क्या हो जाएगा ए तो सही है ए तो सही है ए तो सही है लेकिन व्याख्या कौन कर रहा है सही व्याख्या आर टू कर रही है ठीक है सही व्याख्या कौन कर रहा है आर टू इनकी सही व्याख्या कर रहे हैं अगले प्रश्न पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव भूपरपटी के भीतर का वह क्षेत्र जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं जहां भूकंप उत्पन्न होता है फोकस ऑफ दर्थक्वेक एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक फॉल्ट जोन ऑफ दी अर्थ या फिर सिस्मिक जोन ऑफ दी अर्थ भूकंप उत्पन्न कहाँ पर होते हैं ये बताना है तो आप सभी को पता होगा एपी सेंटर में जाकर के भूकंप उत्पन्न होते हैं ठीक है कहाँ पर एपी सेंटर में भूकंप उत्पन्न होते हैं अगला एक कोई आकाशीय पिंड है जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की भी परिक्रमा करता है जैसे आप जानते हो सूर्य की परिक्रमा कौन करता है अर्थ भी करता है अर्थ की परिक्रमा मून करता है तो जो ये मून हो गए जो ये चंद्रमा हो गए दो अन्य ग्रहों की भी आकाशीय पिंडों की भी परिक्रमा करते हैं तो सही आंसर कौन सा हो गया सी आंसर आपका करेक्ट हो गया ठीक है कौन सा सही हुआ सी आंसर आपका सही है अगला क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है खरपतवार को कौन सी विधि से हटा सकते हैं मैन्युअली अप रूट द वीड्स खरपतवार को हाथों से उखाड़ करके मैन्युअली रिमूव द फ्लावर्स एंड सीड्स पुष्पों और बीजों को हाथों से हटा करके बर्न द स्टबल आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप फसल काटने के पश्चात प्रतिपड़ों को जला करके या घास पात नाशी का छिड़काव करके आप सबको पता है हाथों से खरपतवार हटाने की सबसे अच्छी विधि है अपने हाथों का प्रयोग करो ठीक है क्या आंसर हो जाएगा ए आंसर आपका सही हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है ए आंसर आपका सही है भैया ये यह यहां से तीन क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन है मिट्टी से मिट्टी से तीन क्वेश्चन मतलब यहाँ से पूछा ही जा रहा है सारी मिट्टी उठा ली है सारी मिट्टी उठा के यही रख दी है दी गई सूचना के आधार पर मृदा के प्रकार को पहचानिए एक ऐसी मिट्टी जिसका अंत श्रवण दर बहुत ऊंचा है वातन अच्छा है जल धारण करने की क्षमता बहुत ही कम है वो कौन सी मिट्टी है वायु में बताने धीमा से मध्यम है वातन मतलब क्या होता है जी वातन मतलब एरेशन ठीक है और ये परकोलेशन रेट एरेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे स्पीड में क्या हो, जाएगा? क्या हो जाएगा घास मासी का छिड़काव करेंगे कौन सी मिट्टी हो जाएगी ये कौन सी मिट्टी हो जाएंगी जिनका परकोलेशन रेट बहुत ज्यादा होता है ये सैंडी मिट्टी होती है एरेशन वातन बहुत अच्छा है वाटर होल्डिंग बहुत ज्यादा कम है तो ये सैंडी बलुई मिट्टी जिसको कहा जाता है ठीक है स्लो टू मीडियम है परकोलेशन रेट एरेशन वातन बीच का है वाटर होल्डिंग जो है तो ये लोमी मिट्टी हो जाती है और बहुत कम है बहुत बेकार और हाई तो ये क्ले मिट्टी हो जाती है एक बार से मिट्टी जो है इनको समझ लेना कौन सी मिट्टी बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी और मूडमई मिट्टी क्ले जिसको कहा जाता है ठीक है जिसको क्ले कहा जाता है आ रही समझ में ऐसे ही आ, कहा चला गया एक और क्वेश्चन जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ये देखो ये वाला यदि हम किसी तीन चौथाई जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि मृदा जल से मिल जाए तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात प्रेक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं इन परतों को बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम क्या होगा सात बजे तक की चलेगी सात बजे से पहले पहले छुट्टी हो जाएगी आपकी क्रम क्या होगा इनका यह बताना है इनका क्रम होगा सबसे पहले बजरी फिर बालू फिर क्ले फिर जल फिर ह्यूमस मिलता है समझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं देखो इस तरीके से इस तरीके से पहले ग्रेवल ठीक है सैंड ठीक है फिर क्ले फिर वाटर फिर ह्यूमस बड़े बड़े से तो ये याद रखिएगा ये क्रम याद रखिएगा ग्रेवल सैंड क्ले वाटर ह्यूमस क्वेश्चन पूछ लेता है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी होनी चाहिए इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी होनी चाहिए तथा बलुई दोनों क्ले वाली बलुई तथा क्ले क्ले तथा दोमट मिट्टी लोमी जिसको कह दिया जाता है बताएंगे इसका आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा गेहूं तथा चना उगाने के लिए आपको क्ले तथा लोमी मिट्टी की जरूरत होती है ठीक है क्ले तथा लोमी मिट्टी की जरूरत होती है डी वाला आंसर सही है आगे क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैन्योर खाद का कौन सा कार्य नहीं होता है मृदा की संरचना को सुधारना ठीक है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना या मृदा की जल धारक क्षमता को सुधारना कौन सा खाद का कार्य नहीं है <laughs> ये प्राइमरी वाले कृषि वैज्ञानिक छोड़ेंगे मतलब इनका तो अलग ही लेवल रहता है हाँ तुम्हें वैज्ञानिक बना दिया जाएगा ठीक है मृदा में बीजों को वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना ठीक है पुटिकाएं देना ये इसका कार्य नहीं होता है सी वाला आंसर सही हो जाएगा तो इस तरीके से आपके इस तरीके से आपके ये कुछ ईवीएस की सारी पहली बात तो आप ये दिमाग में बिठा लो एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं सारा का सारा है सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा का सारा ए टू जेड जितने पेपर देने जाएंगे ना खुद देखना आपको जो है हम बताते हैं मिट्टी वाला चैप्टर ही लेकर के आएंगे ठीक है ये आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे थोड़ा सा कंप्लीट कर दें क्योंकि टाइम आ रहा है कि खाली कर दो ठीक है तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ेगी ये पेडागॉजी से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है ये पेडागॉजी से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे मंडे को होगी साइंस की क्लास मिलेगी सारी चीजें होंगी बस पढ़ते जाओ जीवाश्म ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है ठीक है अपसारी सोच बतानी है क्या हो जाएगा जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कई पांच लाभ लिखिए कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए पेट्रोलियम के प्रभाजी आसमन का नामांकित चित्र बनाइए या क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए इस पूरी क्लास को कम से कम मतलब बता रहे डेढ़ सौ से ज़्यादा क्वेश्चन है ठीक है डेढ़ सौ से ज़्यादा के क्वेश्चन हैं इस पूरे क्लास में और <coughs> आप इसको दोबारा से भी क्लास को देखना तब जा करके और फटाफट से मतलब टू एक्स की स्पीड में लगा करके फटाफट फटाफट देखोगे खुद ही रिवीजन हो जाएगा जितने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है तो बहुत सारे मतलब कोई एक पेपर नहीं है हर एक पेपर का जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसका एक क्वेश्चन रखा गया है बाकी है इस तरीके से तो इसमें टाइम बहुत सारा दिया है मैंने इस वजह से चीजें आप पढ़ोगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा क्या होगा आप सारी सोच की बात कर रहे हैं ना सारी जिसका एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर होता है

पाठ्य सामग्री को अपनाना या फिर बच्चों के स्थानीय पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु की सम्मिलित करना हाँ गूगल कर टू एक्स की स्पीड में अगर तुमने हमें देख लिया ना तुम्हें मजा आ जाएगी क्लास पढ़ के मतलब ये सच्चाई है सपना देखती है टू एक्स की स्पीड में हमारी क्लास को इन्होंने कई बार बताया है वैज्ञानिक वैधता का क्या मतलब हुआ यह सम्मिलित करना कि किस प्रकार के समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित होती हैं ठीक है विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित करना मिट्टी और ईंधन और फसल को ठीक है चलो सुनो बताते हैं यह आप पता है कि आप क्लास ही नहीं लग पाएगी नहीं तो मंडे को जो है मंडे को दस बजे क्लास होती है तो यही वाला टॉपिक लेकर देखते हैं कोशिश करते हैं चेंज हो जाए तो हो जाए नहीं तो वैसे मुश्किल है हम लेकर के लेकिन यही टॉपिक आएंगे क्योंकि तुमने दो तीन बार कृषि कहा कृषि ही ले थ्योरी पढ़ा देंगे ठीक है थ्योरी पढ़ा देंगे भले क्योंकि थंबनेल दूसरा लगा रहेगा लेकिन हम पढ़ा देंगे बाद में चेंज करवा लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का विकास कर सकता है परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का आपको ही अच्छा तुम्हें बहुत मजा आता है हा नेहा नेहा के भी हैं आकृति के भी हैं बहुत सारे लोग कल क्लास होगी सुबह दस बजे से बारह बजे तक की क्लास होगी परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का विकास कौन कर सकते हैं परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का परिकल्पना का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों के प्रक्षणों के निष्कर्षों को सुनने से अच्छा जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुमार ठीक है विद्यार्थियों के परीक्षणों के निष्कर्ष को सुनने से परिकल्पना कौशल जो है मतलब समझ सकते हैं या विद्यार्थियों के प्रश्नों को गंभीरता पूर्वक लेकर के उनका उत्तर दे रहे हैं, तो सीख सकते हैं या विद्यार्थियों को उनके प्रश्नों को स्पष्ट करके मदद करने में या फिर प्रमाणों की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरण की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके कर सकते बताएंगे क्या हो जाएगा डी बहुत बढ़िया ठीक है डी आंसर कर रहे हो तो इसमें हमें नहीं लगता है कुछ समझाना है पेड़ागोजी के तो मास्टर हो तुम लोग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे

किसने कहा भैया ये अफवाहें ना फैलाओ कि 9 जनवरी का एग्जाम कैंसिल हो गया है कुछ कैंसिल नहीं हुआ है भाई जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बस खत्म होने वाली है हाँ ठीक है ये क्या हो जाएगा कौन सी संज्ञानात्मक कौशल का प्रयोग हो रहा है समझ का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर ठीक है कि वह कितनी दूर तक जाएगी कितना बल है कितना कब तक गतिमान रहेगी ठीक है तो बी वाला ऑप्शन एक एक और करवा देते भाई सब कह रहे छुट्टी कर दो क्वेश्चन नंबर किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए ठीक है किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार अवश्य करना चाहिए उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना है

समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना ग्रुप में है योजना बनाना है क्या हो जाएगा ए और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है ए और बी वाला ऑप्शन आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है पेडागोजी स्पेशल दो क्लास हम करवा ही चुके हैं अब जो है डाउट पूछ लो जितने लोग भी पूछ रहे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पूछ रही है ठीक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पूछ रही है तो हम ये बता देते हैं बाकी डाउट ले लेते हैं ठीक है क्योंकि वरना रह जाएंगे ठीक है फिजिकल चेंज में क्या होता है जैसे मान लो आप कागज को कोई कागज है कागज को फाड़ देती हो तो रहता तो वो कागज ही है ना रहता तो वो कागज ही है ना मतलब जिसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जैसे कि भाप से पानी को उबाल दो तो वाष्प के रूप में उड़ जाए फिर उसी वाष्प को इकट्ठा करके फिर से पानी बना देना मतलब जो रिवर्सिबल होता है जिसको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है वो किस प्रकार का चेंज होता है फिजिकल चेंज होता है केमिकल चेंज में क्या होता है एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया पुनः उसको उसी पर नहीं ला सकते हैं उसको केमिकल चेंज कहते हैं जैसे कि दूध से दही बनना और किसी को टॉपिक टौ में प्रॉब्लम अभी कुछ डेट पोस्टपोन नहीं हुई है या फिर हुई होगी तो हमें पता नहीं है हमें इस बारे में नहीं पता तब से तो हम पढ़ा ही नहीं है अभी नहीं हुई शिवांगी इस तरीके के मत क्वेश्चन नेहा और बताओ कौन सा टॉपिक अच्छा हाँ चलो एक वो वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये था कि हाँ चार समय के साथ में एक सरल रेखा ग्राफ बन रहा है ठीक है सरल रेखा ग्राफ बन रहा था क्वेश्चन ये था इस पे लगा नहीं आज गलती से छूट गया है वो सरल रेखा ग्राफ बन रहा था तो बता रहा क्वेश्चन पूछ रहा था किस प्रकार का मोशन होगा तो उस पर जो है एक तो यूनिफॉर्म मोशन होगा ठीक है एक तो यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि सरल रेखा है और दूसरा क्योंकि पता है क्या आंसर की वालों नहीं आयोग ने उस पर गलत आंसर दे रखा है उन्होंने नॉन यूनिफॉर्म में बता दिया है या तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि रेस्ट की पोजीशन पे हो ठीक है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पर होगा तब वो सरल रेखा बनेगा या तो उसमें तो यूनिफॉर्म आकृति समझ में आया हाँ और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो दो वाले ऑप्शन सही होंगे एक तो यूनिफॉर्म मोशन वाला होगा और रेस्ट वाला होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन उस पर नहीं होगा और बताओ किसी टॉपिक में कोई दिक्कत और किसी टॉपिक में, तो को में कोई दिक्कत हो तो बताओ वरना क्वेश्चन हम मंडे को ही वाला लेकर के आएंगे जल्दी से बताएंगे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ आकृति बताओ नेहा अब नेहा नहीं दिखेंगी यह तो रुका हुआ मोशन वाला रुको क्वेश्चन या तो ढूंढें क्वेश्चन क्या था रेस्ट रुक जा में क्वेश्चन नहीं याद है बस इतना याद है कि सीधी सरल रेखा ग्राफ बन रहा है रुक जाओ या तो हम क्वेश्चन देखें कहां है वो? है ना इसी वजह से कल के रह दो मंडे को ही वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे मंडे को ले कर के आएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन याद नहीं वो चल भी रहा है कि नहीं रहा है बस उसने ये बोला था कि चाल और समय का ग्राफ एक सरल रेखा है सरल रेखा है सिर्फ बोला तो उसने ये नहीं बोला था वो चल भी रहा है कि रुका हुआ है क्वेश्चन आ जाने तो तब हम ज्यादा क्लियर कर देंगे बाकी और बताओ और बताओ किसी कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन में पूरा साइंस एक वीडियो ये ये वीडियो वही था जो आप जिसकी डिमांड कर रहे हो हम कहाँ से हैं इसका इस टॉपिक से कोई भी रिलेशन नहीं है मैम नदियाँ कब पढ़ाओगी नदियाँ पढ़ना है <coughs> 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 बाकी ये सभी लोगों से बता देते बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई है साइंस की वन <coughs> शॉट भी पढ़े हुए हैं अब जाकर के उनको देखो बाकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है

पेडोकलॉजी के क्वेश्चन थे बाकी हम छोड़ देंगे जो है पीडीएफ डाउनलोड करके आप सब पढ़ लेना इसको कितने क्वेश्चन बचे बहुत क्वेश्चन बच गए क्या ठीक है सोचो तीन घंटे भी कम पढ़ गए तो आज के लिए इतना ही कैसी लगी क्लास कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे बाकी फिर से मिलेंगे मंडे को मंडे को फिर से मिलेंगे फिजिक्स के डेरीवेशन करवा ये कौन आ गया डेरिवेशन कहाँ है फिजिक्स में भाई मैप्स पढ़ाइए रिएक्टिविटी सीरीज करा दो एक बार चलो ठीक है मंडे को अब हम लोग मंडे को डेली आप सबको पता है ना हमारी दो क्लास होती है एक दस बजे क्लास, क्लास होती है और एक पाँच बजे क्लास होती है अच्छा एक इंफॉर्मेशन और देनी अभी हम लोग साढ़े सात बजे फिर से मिलेंगे साढ़े सात बजे एक बार फिर से मिलेंगे अच, अच, अच्छी सी स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ में थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय पढ़ते रहो सीखते रहो बाकी सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर से फीडबैक जरूर दिया करो मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच बाकी ऑल दी बेस्ट जिनके एग्जाम है नौ तारीख को ही वेबसाइट स्प्रेडिंग वाला देख लो एक बार भाई भगवान कहाँ है क्वेश्चन नंबर बता दो अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर बता दो अब हम से कहा ढूंढें भाई नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है नहीं रहने दो नहीं मिल रहा है भाई हम थक गए बहुत ज्यादा अब